हेलो एवरीवन, आई एम मोहम्मद सलीम एंड वेलकम टू द चैनल राइट डायरेक्शंस बाय सलीम। इस वीडियो में हम इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस के वो वाले क्वेश्चंस पढ़ेंगे जो कि यूपीएससी के प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम के मेंस वाले पेपर में आ चुके हैं, ठीक है। 2007 से 2019 के दरमियान में ये क्वेश्चन आ चुके हैं, वो हम पढ़ेंगे विद एक्सप्लेनेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। और आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो उसको सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें दोस्तों को। थैंक्स, लेट्स बिगन। फर्स्ट क्वेश्चन है, 2007 में आया था, ये असर्शन रीजन टाइप का है। तो लेकिन इस क्वेश्चन की असर्शन स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, रीजन वाली सही है, ठीक है। असर्शन स्टेटमेंट में बोलता है कि द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन द यूनियन ऑफ इंडिया इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल बोथ टू द लोकसभा एंड द राज्यसभा, ठीक है। ठीक है, ये इनकरेक्ट है, ठीक है, कि राज्यसभा के लिए नहीं होता ऐसा। हाँ, दूसरी स्टेटमेंट देखते हैं, रीजन वाली वो सही है। उसमें है कि द मेंबर्स ऑफ बोथ लोकसभा एंड द राज्यसभा आर एलिजिबल टू बी द मिनिस्टर्स ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। यस, इट इज़ करेक्ट, ठीक है। तो डिटेल में देखते हैं कि द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन द यूनियन ऑफ इंडिया इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा ऑनली एंड नॉट टू द राज्यसभा, ठीक है। हाँ, इट इज दिस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन द यूनियन ऑफ इंडिया इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल ऑनली टू द लोकसभा एज पर आर्टिकल 75 क्लास 3, ठीक है, उसके मुताबिक। हाँ, इसलिए वो पहली स्टेटमेंट गलत थी जिसमें राज्यसभा का नाम भी था, ठीक है। उसके बाद ये है कि द मिनिस्टर कैन बी इलेक्टेड, अ मिनिस्टर कैन बी अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है, बट ही इज लायबल टू वोट ऑनली इन द हाउस टू विच ही बिलोंग्स, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड डिटेल विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट आर करेक्ट, ठीक है। हाँ, तो दो स्टेटमेंट है करेक्ट, सिर्फ एक ही, और वो है कि अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 अ वुमेन कैन फाइल अ पिटीशन बिफोर अ फर्स्ट क्लास जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। यस, इट इज़ करेक्ट, ठीक है। हाँ, ये सही है। जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट थी वो ये थी कि द जजेस इंक्वायरी बिल 2006 कंटेम्प्लेट्स टू एस्टैब्लिश अ जुडिशियल काउंसिल विच शैल रिसीव कंप्लेंट्स अगेंस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस एंड जजेस ऑफ हाईकोर्ट, ये इनकरेक्ट है। हाँ, आप डिटेल में देखते हैं आंसर के, द जजेस इंक्वायरी बिल 2006 कंटेम्प्लेट्स टू एस्टैब्लिश अ जुडिशियल काउंसिल विच शैल विच विल रिसीव कंप्लेंट्स अगेंस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट एक्सेप्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है, सीजीआई के लिए नहीं होगा। बट फॉर द रेफरेंस प्रोसीजर नॉट द कंप्लेंट प्रोसीजर, ठीक है, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया विल बी इंक्लूडेड, ठीक है। हाँ, फॉर द पर्पज ऑफ रेफरेंस प्रोसीजर के लिए चीफ जस्टिस को लेंगे लेकिन कंप्लेंट प्रोसीजर के लिए नहीं, ठीक है। दिस बिल ऑफ 2006 आल्सो सीक्स टू इंट्रोड्यूस अ कोड ऑफ एथिक्स फॉर द जुडिशरी, ठीक है। कौन सा, ये जो जुडिशरी इंक्वायरी बिल 2006, ठीक है। द एक्ट एम्पावर्स द मैजिस्ट्रेट टू पास प्रोटेक्शन आर्डर इन फेवर ऑफ द अब्यूज टू प्रिवेंट द अब्यूजर फ्रॉम एडिंग आर कमिटिंग एन एक्ट ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस आर एनी अदर स्पेसिफाइड एक्ट, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन इज के कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड टेल विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट आर करेक्ट, ठीक है। तो दो स्टेटमेंट हैं करेक्ट, सिर्फ उनमें से एक ही है, और वो है कि द चेयरमैन ऑफ द कमेटी ऑन पब्लिक अकाउंट्स इज अपॉइंटेड बाय द स्पीकर ऑफ द लोकसभा। यस, इट इज करेक्ट, ठीक है। दूसरी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है जिसमें लिखा है कि द कमेटी ऑन पब्लिक अकाउंट्स कंप्राइजिंग मेंबर्स ऑफ लोकसभा, मेंबर्स ऑफ राज्यसभा एंड फ्यू एमिनेंट पर्सन ऑफ इंडस्ट्री एंड ट्रेड, ये इनकरेक्ट है, ठीक है। अब डिटेल में आंसर देखते हैं इसका, कि द लोकसभा स्पीकर अपॉइंट्स द चेयरमैन ऑफ द पार्लियामेंट्री कमेटी। हाँ, द लोकसभा स्पीकर अपॉइंट्स द चेयरमैन ऑफ ऑल पार्लियामेंट्री कमेटीज, ठीक है। सो द चेयरमैन ऑफ द कमेटी ऑन पब्लिक अकाउंट्स इज अपॉइंटेड बाय द स्पीकर ऑफ द लोकसभा, ठीक है। हाँ, स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट, ठीक है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी इज अ फाइनेंशियल कमेटी, इट कंसिस्ट ऑफ 22 मेंबर्स, 15 फ्रॉम द लोकसभा एंड 7 फ्रॉम द राज्यसभा, ठीक है। कौन, पब्लिक अकाउंट कमेटी फाइनेंशियल कमेटी है, 22 मेंबर होते हैं, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से, ठीक है। हाँ, दीज 22 मेंबर्स सेलेक्टेड बाय द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, ठीक है। ये जो 22 मेंबर होंगे ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम सेलेक्ट होंगे, ठीक है ना। बाय कन्वेंशन अ लोकसभा मेंबर फ्रॉम अ मेजर अपोजिशन पार्टी इज अपॉइंटेड एज इट्स चेयरमैन, ठीक है। हाँ, देन मिनिस्टर कैन नॉट बी इट्स मेंबर्स, ठीक है, मिनिस्टर इसके मेंबर नहीं होंगे। इट इज़ असिस्टेड बाय द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, सीएजी जो है वो इस कमेटी को असिस्ट करेगा, ठीक है। देन इट इंश्योर्स, ये जो कमेटी है, ठीक है ना, हाँ,
Public Account Committee. It ensures that public money is spent in accordance with the Parliament's decisions and call attention to waste, extravagance, loss or nugatory expenditure. अगर कोई फालतू में खर्च हुआ उसके लिए जो है ये कॉल अटेंशन करवा सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज के विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट सीक्स दैट द साइज ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एट द सेंटर एंड इन अ स्टेट मस्ट नॉट एक्सीड 15% ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ द मेंबर्स इन द लोकसभा एंड द टोटल मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दैट स्टेट रिस्पेक्टिवली, ठीक है। हाँ, तो करेक्ट आंसर है कि इट इज़ एज पर 91st अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, जो 91 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है उसके मुताबिक है ये, ठीक है ना। कि फिर देखते हैं इसमें कि हाँ डिटेल में देखते हैं कि सम प्रोविजंस दैट हैव बीन इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन एज अ रिजल्ट ऑफ 91st अमेंडमेंट एक्ट आर एज फॉलोज। नंबर वन के द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हाँ इन द सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल नॉट एक्सीड 15% ऑफ द टोटल लेंथ ऑफ द लोकसभा, ठीक है, एज पर आर्टिकल 75 क्लास 1 सब क्लास 8, ठीक है। देन नंबर सेकंड है कि अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट बिलोंगिंग टू एनी पॉलिटिकल पार्टी हु इज डिसक्वालिफाइड ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन शैल आल्सो बी डिसक्वालिफाइड टू बी अ मेंबर ऑफ टू बी शैल आल्सो बी डिसक्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज अ मिनिस्टर, ठीक है, एज पर आर्टिकल 75 क्लास 1 सब क्लास बी, ठीक। नंबर तीन 91st अमेंडमेंट एक्ट में क्या करा कि द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन अ स्टेट शैल नॉट एक्सीड 15% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दैट स्टेट, ठीक है, बट द नंबर ऑफ मिनिस्टर इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर इन अ स्टेट शैल नॉट बी लेस देन 12 12 से कम नहीं होने चाहिए एज पर आर्टिकल 164 क्लास 1A, ठीक है। हम नेक्स्ट जो ऐड करा 91st अमेंडमेंट के में वो ये था कि आप मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर बिलोंगिंग टू एनी पॉलिटिकल पार्टी हु इज डिसक्वालिफाइड ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन शैल आल्सो डिसक्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज अ मिनिस्टर एज पर आर्टिकल 164 क्लास 1B, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 360 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। दो स्टेटमेंट दिए हैं, बताना है कौन सी स्टेटमेंट सही है, ठीक है, सही इनमें से सिर्फ एक ही स्टेटमेंट है, ठीक है, जो कि आर्टिकल 360 की इमरजेंसी के मुताबिक है। वो ये है कि आप प्रोक्लेमेशन ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है, इशूड शैल सीज टू ऑपरेट एट द एक्सपायरेशन ऑफ 2 months अनलेस बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ दैट पीरियड इट हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय द रेजोल्यूशन ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। के 2 महीने में ख़त्म हो जाएगी अगर उसको मतलब कि अगर उसकी एक्सपायरी से पहले अगर ये अप्रूव कर दिए बोथ हाउसेज पार्लियामेंट के अप्रूवल से तो तब चलेगी, ठीक है, फाइनेंशियल इमरजेंसी 360 आर्टिकल के तहत जो है, ठीक है। थोड़ा आगे देखते हैं क्वेश्चन आंसर डिटेल में कि अंडर आर्टिकल 360 द प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर इमरजेंसी इफ ही इज सेटिस्फाइड दैट अ सिचुएशन हैज अराइजन वेयर बाय द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आर क्रेडिट ऑफ इंडिया आर एनी ऑफ एनी पार्ट ऑफ इट्स टेरिटरी इज थ्रेटन, ठीक है, सच एन इमरजेंसी शैल ऑर्डिनरली रीमेन इन फोर्स फॉर अ पीरियड ऑफ 2 months अनलेस बिफोर द एक्सपायरी ऑफ दैट पीरियड इट इज अप्रूव्ड बाय द रेजोल्यूशन ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है। हाँ, If approved, it operates for 6 months and can be extended by 6 months at a time. ठीक है, it can remain in operation for a maximum of 3 years. ठीक है, पहले 2 महीने तक होगी, ठीक है, जब उसको अप्रूव कर देंगे उसकी एक्सटेंशन फिर ये 6 महीने तक रहेगी, ठीक है, फिर अगर और इसको इसी तरह रेजोल्यूशन से एक्सटेंड करेंगे तब ये और भी हो सकती है मैक्सिमम ऑफ 3 years, 3 साल से ऊपर तक नहीं, ठीक है। हाँ, इसी में देख लेते हैं कि इफेक्ट्स ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी के क्या क्या इफेक्ट होते हैं, ठीक है। हाँ, नंबर ये होता है फाइनेंशियल इमरजेंसी अगर लगे कि द यूनियन एग्जीक्यूटिव कैन गिव डायरेक्शंस टू एनी स्टेट टू ऑब्जर्व सच कैनन्स ऑफ फाइनेंशियल प्रॉपर्टी एज मे बी स्पेसिफाइड इन द डायरेक्शंस, ठीक है, नंबर वन। नंबर सेकंड के द प्रेसिडेंट कैन आस्क द स्टेट्स टू रिड्यूस द सैलरीज एंड अलाउंसेज ऑफ ऑल आर एनी क्लास ऑफ पर्संस सर्विंग इन कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ द स्टेट, ठीक है। हाँ, नंबर तीन कि द प्रेसिडेंट कैन आस्क द स्टेट्स टू रिजर्व ऑल मनी बिल्स पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर फॉर हिज कंसिडरेशन। नंबर फोर्थ
कि द प्रेसिडेंट कैन इशू डायरेक्शंस फॉर द रिडक्शन ऑफ सैलरीज एंड अलाउंसेज ऑफ पर्संस सर्विंग इन कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ द यूनियन इंक्लूडिंग द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट नो प्रोक्लेमेशन ऑफ दिस टाइप ऑफ एमरजेंसी हैज बीन मेड सो फार। नेक्स्ट क्वेश्चन इज के विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ फॉलोइंग स्टेट्स एज फुल स्टेट ऑफ इंडियन यूनियन। ठीक है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बताना है कौन सा किस साल में बनी। ठीक है, इस तरह से तो जो ऑप्शन है उनमें से जो करेक्ट है वो है नागालैंड, नागालैंड के बाद जो है हरियाणा बने, हरियाणा के बाद सिक्किम, सिक्किम के बाद अरुणाचल प्रदेश, ये है करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ठीक है, थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं कि नागालैंड जो है ये 1962 में बनी, हरियाणा 1966 में, सिक्किम 1975 में, अरुणाचल प्रदेश 1986 में, आंध्र प्रदेश 1953 में, गुजरात 1960 में, केरला 1956 में, कर्नाटका 1956 में, हिमाचल प्रदेश 1970 में, मेघालय 1971 में, मिजोरम 1986 में, गोवा 1987 में, छत्तीसगढ़ 2000 में, ईयर 2000 में, उत्तराखंड ईयर 2000 में, झारखंड विद 2000 में, तेलंगाना 2014 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड टेल विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, कुछ स्टेटमेंट दी गई हैं लेकिन दो हैं लेकिन करेक्ट उनमें से एक है और वो है कि द मोड ऑफ द रिमूवल ऑफ अ जज ऑफ अ हाई कोर्ट इन इंडिया इज सेम एज दैट ऑफ रिमूवल ऑफ अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। यस, इट इज़ करेक्ट। ठीक है, डिटेल देखते हैं कि और हाँ, एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट है और वो ये थी कि आफ्टर रिटायरमेंट फ्रॉम ऑफिस अ परमानेंट जज ऑफ अ हाई कोर्ट कैन नॉट प्लीड आर एक्ट इन एनी कोर्ट आर बिफोर एनी 30th इन इंडिया। ये इनकरेक्ट है बिकॉज आफ्टर रिटायरमेंट अ जज ऑफ द हाई कोर्ट कैन नॉट सर्व इन एनी कोर्ट आर बिफोर एनी 30 इन इंडिया एक्सेप्ट इन द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट अदर देन द हाई कोर्ट इन विच ही हैड होल्ड द ऑफिस अंडर आर्टिकल 220। ठीक है, के रिटायरमेंट के बाद जो है हाई कोर्ट का जज होता है तो वो ही कैन नॉट सर्व इन एनी कोर्ट। ठीक है, आर बिफोर एनी 30 इन इंडिया। ठीक है, किसी के आगे जो है वो सर्व नहीं करेगा। ठीक है, एक्सेप्ट, एक एक्सेप्शन भी है, एक्सेप्ट इन द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट अदर देन दैट हाई कोर्ट इन विच ही हैड होल्ड द ऑफिस। ठीक है, एज पर आर्टिकल 220। ठीक है, जिस हाई कोर्ट में वो पहले रहा उसके अलावा और जितनी हाई कोर्ट हैं उनमें जो है वो सर्व कर सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट में भी। ठीक है, लेकिन जिस हाई कोर्ट में वो पहले ऑफिस में रहा वो नहीं, उस पे नहीं जा सकेगा। ठीक है, ये आर्टिकल 220 में है मेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2008 में आया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, दो स्टेटमेंट हैं उनमें से बताना है कौन सा DPSP में है। ठीक है, तो वो एक तो इनकरेक्ट है तो दूसरा सही है और वो है कि प्रोहिबिशन ऑफ कंजम्पशन एक्सेप्ट फॉर मेडिसिनल पर्पजेज ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स एंड ऑफ ड्रग्स विच आर इंजरीज टू हेल्थ। ठीक है, इनकी प्रोहिबिशन जो है ये DPSP में है। ठीक है, हाँ डिटेल में देखते हैं आप कि पार्ट 4th ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 36 टू आर्टिकल 51 इंजॉइन्स अपॉन द स्टेट सर्टन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स विद द एम ऑफ इंश्योरिंग अ जस्ट एंड इक्विटेबल सोशियो इकोनॉमिक ऑर्डर। ठीक है, हाँ, DPSP क्यों लगाया जाता है, मतलब के इसका मकसद क्या है कि टू इंश्योर अ जस्ट एंड इक्विटेबल सोशियो इकोनॉमिक ऑर्डर। ठीक है ना, एंड दिस DPSP आर नॉट जस्टिसेबल। ठीक है, और ऊपर एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट भी थी कि प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर, वो DPSP में नहीं आता। ठीक है ना, कि बिकॉज द प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग एंड फोर्स लेबर इज मैंशन इन आर्टिकल 23 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच इज़ फंडामेंटल राइट। ठीक है, सो दिस इज इट इज़ नॉट अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल बट इट इज़ अ फंडामेंटल राइट। ठीक है, हाँ, प्रोहिबिशन ऑफ कंजम्पशन एक्सेप्ट फॉर मेडिसिनल पर्पजेज ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ऑफ अदर ड्रग्स विच आर इंजरीज टू हेल्थ इज अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल। ठीक है, के प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग एंड फोर्स्ड लेबर इज मेंशन इन आर्टिकल 23 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज़ नॉट अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल बट अ फंडामेंटल राइट। ठीक है, प्रोहिबिशन ऑफ कंजम्पशन एक्सेप्ट फॉर मेडिसिनल पर्पजेज ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड अदर ड्रग्स विच आर इंजरीज टू हेल्थ इज अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड टेल विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट आर करेक्ट। ठीक है, दो स्टेटमेंट है उनमें करेक्ट सिर्फ एक ही और वो है
कि अ पर्सन शैल नॉट बी रिक्वालिफाइड टू बी चूजन टू फिल अ सीट इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ अ स्टेट इफ ही और शी इज लेस देन 25 ईयर्स ऑफ एज। यस, ये सही है। एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट भी है इसमें, वो ये है कि द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ई स्टेट शैल कंसिस्ट ऑफ नॉट मोर देन 450 मेंबर्स चूजन बाय डायरेक्ट इलेक्शन फ्रॉम टेरिटोरियल कंस्टिट्यूएंसीज इन द स्टेट। ये इनकरेक्ट है, ठीक है। अब थोड़ा इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल में देखते हैं कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स दैट द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ई स्टेट शैल कंसिस्ट ऑफ नॉट मोर देन 500 मेंबर्स चूजन बाय डायरेक्ट इलेक्शन फ्रॉम टेरिटोरियल कंस्टिट्यूएंसी इन द स्टेट, ठीक है ना। द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कंसिस्ट ऑफ द गवर्नर एंड होस्ट और होसेज ऑफ द स्टेट, ठीक है। द लेजिस्लेटिव असेंबली इज द पॉपुलरली इलेक्टेड हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। इट्स मेंबर्स शुड इट्स मिनिमम स्ट्रेंथ शुड बी 60, ठीक है। लेजिस्लेटिव असेंबली की मिनिमम स्ट्रेंथ 60 होनी चाहिए एंड मैक्सिमम शुड बी 50, ठीक है। सॉरी, मैक्सिमम शुड बी 500, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ सिक्किम मिजोरम एटसेट्रा हैव लेस देन 60 मेंबर्स, ठीक है। आर्टिकल 173 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन अबाउट द क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबरशिप ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। लेजिस्लेशन कि आर्टिकल 173 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो इस बारे में है कि क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबरशिप ऑफ द स्टेट असेंबली क्या होनी चाहिए, ठीक है। हाँ, अ पर्सन कैन बिकम अ मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली इफ ही, नंबर वन, सिटीजन ऑफ इंडिया, नंबर सेकंड, if he is more than 25 years of age, number 3, if he possesses such other qualifications as may be prescribed by or under the law enacted by the parliament, ठीक है। तो आर्टिकल 173 जो है इसके बारे में, क्वालिफिकेशन के बारे में बताता है MLA की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट्स फोर लैंग्वेजेस अंडर द 8th schedule ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देयर बाय रेजिंग देयर नंबर्स टू 22। तो आंसर है कि कॉन्स्टिट्यूशन 92nd अमेंडमेंट एक्ट, उसके तहत हुआ, ठीक है। डिटेल में देखते हैं कि द अमेंडमेंट मेड इन द 92nd अमेंडमेंट एक्ट 2003 केम इनटू फोर्स इन जुलाई 2004 व्हेन इट रिसीव्ड द प्रेसिडेंशियल असेंट, ठीक है। इट प्रोवाइडेड फॉर फोर मोर लैंग्वेज इन इट्स शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया देयर बाय रेजिंग देयर नंबर्स मीन नंबर ऑफ लैंग्वेजेस टू 22 मीन्स टू 22, ठीक है, 22 तक होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट एरिया वाइज लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो आंसर है लद्दाख, ठीक है। लद्दाख इज द लार्जेस्ट एरिया वाइज कॉन्स्टिट्यूएंसी, ठीक है। डिटेल में देखते हैं, लद्दाख लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी इज द लार्जेस्ट एरिया वाइज लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी इन इंडिया, ठीक है। द लार्जेस्ट लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी इन इंडिया एरिया वाइज आर, नंबर वन पे आ गया लद्दाख। इसका एरिया कितना है एक कॉन्स्टिट्यूएंसी का, 1,73,000 मीन्स 1,73,266 1,73,266 स्क्वेयर किलोमीटर है लद्दाख के एक MP का जो एरिया, ठीक है। उसके बाद आ गया दूसरे नंबर पे बड़ी कंस्टिट्यूएंसी है बारमर, BARMER बारमर, ठीक है। इसका एरिया है 71,601, ठीक है। उसके बाद आ गया कच्छ, कच्छ जो गुजरात में है, ठीक है। इस एक पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी का एरिया है 41,644 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। अरुणाचल वेस्ट की में है, उसके बाद आ गया अरुणाचल वेस्ट, उसमें एक कंस्टिट्यूएंसी का एरिया है 40,572 स्क्वायर किलोमीटर। उसके बाद आ गया अरुणाचल ईस्ट जिसमें एक पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी का एरिया है 39,749 स्क्वायर किलोमीटर। तो पहले लद्दाख, फिर बारमर, फिर कच्छ, फिर अरुणाचल प्रदेश, देन अरुणाचल प्रदेश, हाँ, फोर्थ इज अरुणाचल प्रदेश वेस्ट एंड फिफ्थ अरुणाचल प्रदेश ईस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज के कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड टेल विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट आर करेक्ट, ठीक है ना। तो स्टेटमेंट दो दी गई हैं, उनमें से करेक्ट सिर्फ एक ही, और वो है कि जस्टिस वी के कृष्णा अय्यर IYER, ठीक है। जस्टिस वी आर कृष्णा अय्यर इज कंसीडर्ड एज वन ऑफ द प्रोजेनिटर्स ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL इन द इंडियन जुडिशल सिस्टम। यस, इट इज़ करेक्ट, ठीक है। एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट भी है कि जस्टिस वी आर कृष्णा अय्यर वॉज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये इनकरेक्ट है, ठीक है। तो डिटेल में देख लेते हैं कि वी आर कृष्णा अय्यर बिकेम अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन 1973, ठीक है। ड्यूरिंग दिस टाइम द सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रेटेड आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन द सेंस दैट द नेशनल गवर्नमेंट वाज ओब्लाइज टू प्रोवाइड फ्री लीगल सर्विसेज टू अक्यूज्ड पीपल इन कस्टडी, ठीक है। ही रिटायर्ड फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट इन नवंबर
1980, Justice Krishna Iyer never become the Chief Justice of India as mentioned in incorrect statement of this question. ठीक है ना. वी आर कृष्णा एयर वॉज नोन फॉर हिज ह्यूमन राइट्स अप्रोच एंड लिटररी मैरिट इन डिसीजन मेकिंग. ठीक है. तो इसलिए जो है जस्टिस वी आर कृष्णा राय इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द प्रोजेनिटर्स ऑफ PIL इन पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इन इंडियन जुडिशियल सिस्टम. नेक्स्ट क्वेश्चन इज के विच स्केड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन स्पेशल प्रोविजन फॉर एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ स्केड्यूल्ड एरियाज इन सेवरल स्टेट्स. तो आंसर है कि फिफ्थ स्केड्यूल में. ठीक है ना. हाँ, कि द फिफ्थ स्केड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन स्पेशल प्रोविजंस फॉर एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ स्केड्यूल्ड एरिया एंड स्केड्यूल्ड ट्राइब्स स्केड्यूल एरिया एंड स्केड्यूल्ड ट्राइब्स इन सेवरल स्टेट्स. ठीक है. देन सिक्स्थ स्केड्यूल कंटेन्स प्रोविजन एज टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरिया इन द स्टेट ऑफ असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश. नेक्स्ट क्वेश्चन इज के हु अमंग द फॉलोइंग हैव होल्ड द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. तो आंसर है के तो आंसर है नंबर वन मोहम्मद हिदायतुल्ला और शंकर दयाल शर्मा. ठीक है. जो इस क्वेश्चन में स्टेटमेंट चार दी गई है ना, हाँ, जिसमें आगे मोहम्मद हिदायतुल्ला और शंकर दयाल शर्मा, यस, इन्होंने जो है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का ऑफिस होल्ड करा है. दो और ऑप्शन है वो इनकरेक्ट हैं. एक में फखरुद्दीन अली अहमद और नीलाम संजीवा रेड्डी, ये इनकरेक्ट हैं, ये वाइस प्रेसिडेंट नहीं रहे. ठीक है. इसी का डिटेल में देखते हैं थोड़ा के जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्ला ड्यूरिंग द टेन्योर 1979 to 1984 एंड डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ड्यूरिंग 1987 to 1992 होल्ड द ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. ठीक है. डिटेल देखते हैं थोड़ा कि डॉक्टर एस राधा कृष्णन जो है ये 1952 to 1962 तक रहा. ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट. देन डॉक्टर जाकिर हुसैन 1962 to 1967 तक. ठीक है. देन वीवी गिरी जो है 1967 to 1969. देन गोपाल स्वरूप पाठक जो है 1969 to 1974. देन बीडी जट्टी जो है 1974 to 1979. नेक्स्ट क्वेश्चन इज के मैच लिस्ट फर्स्ट विद द सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो. ठीक है ना. लिस्ट वन में है पर्सन और लिस्ट सेकंड में है पोजीशन. कौन सा बंदा किस पोजीशन पे था. ठीक है ना. पहला आ गया नगिंदर सिंह जो है ये प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस रहा. ठीक है, नगिंदर सिंह. देन ए एन रे जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहा. देन आर के त्रिवेदी जो है ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया रहा. देन अशोक देसाई जो है ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मेनी हाई कोर्ट्स इन इंडिया हैव ज्यूरिस्डिक्शन ओवर मोर देन वन स्टेट आर ड्यूटीज हैव ज्यूरिस्डिक्शन ओवर मोर देन वन स्टेट. ठीक है. हाँ, इन दिस केस यूट इज नॉट इंक्लूडेड, यूनिटेड इज नॉट इंक्लूडेड. ठीक है. तो इसमें करेक्ट आंसर आ गया तीन. ठीक है ना. कि ईच स्टेट हैज़ अ हाई कोर्ट विच इज़ दी हाईएस्ट जुडिशल ऑर्गन ऑफ द स्टेट. ठीक है. एट प्रेजेंट देर आर 24 हाई कोर्ट्स इन इंडिया. ठीक है, अभी 24 हाई कोर्ट्स हैं. ज्यूरिस्डिक्शन एंड सीट्स ऑफ हाई कोर्ट आर गिवन बिलो. ठीक है ना. जो अलाहाबाद हाई कोर्ट है इसकी टेरिटोरियल ज्यूरिस्डिक्शन है यूपी. ठीक है. हैदराबाद हाई कोर्ट की ज्यूरिस्डिक्शन है आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना दोनों पे. ठीक है. मुंबई हाई कोर्ट की ज्यूरिस्डिक्शन है इस पे महाराष्ट्र गोवा दादरा नगर हवेली दमन एंड दीव. ठीक है ना. तो मतलब के तीनों पे है मुंबई हाई कोर्ट की, एक महाराष्ट्र पे, उसके बाद गोवा पे, फिर दादरा नगर हवेली और चौथा आगे दमन एंड दीव. इन पे है इसकी ज्यूरिस्डिक्शन. कोलकाता हाई कोर्ट जो है उसकी ज्यूरिस्डिक्शन है एक तो आगे पश्चिम बंगाल मतलब जिसको वेस्ट बंगाल बोलते हैं, पश्चिम बंगाल बोलते हैं. उसके बाद अंडमान निकोबार आइलैंड पे भी है ज्यूरिस्डिक्शन कोलकाता हाई कोर्ट की. ठीक है. देन दिल्ली हाई कोर्ट की ज्यूरिस्डिक्शन दिल्ली पर ही है. गुवाहाटी हाई कोर्ट की ज्यूरिस्डिक्शन है नंबर वन असम में, नंबर सेकंड मणिपुर, नंबर तीन मेघालय, नंबर चार नागालैंड, नंबर पाँच त्रिपुरा, नंबर छः मिजोरम, नंबर सात अरुणाचल प्रदेश.
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, और उसके बाद गुजरात हाईकोर्ट की जुरिस्डिक्शन है गुजरात पर, हिमाचल प्रदेश के हिमाचल प्रदेश पर, जम्मू कश्मीर की जम्मू कश्मीर पर है, लेकिन अब जब 5 अगस्त 2019 के बाद लद्दाख अलग यूटी बना तो अब लद्दाख पर भी है जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट की जुरिस्डिक्शन। नेक्स्ट इज के कर्नाटका हाईकोर्ट की जुरिस्डिक्शन कर्नाटका पर है, केरला हाईकोर्ट जो है केरला इसकी जो जुरिस्डिक्शन है वो नंबर वन है केरला पर, और उसके बाद जो यूटी है लक्षद्वीप उस पर है केरला हाईकोर्ट की जुरिस्डिक्शन। मध्य प्रदेश की तो मध्य प्रदेश पर यह चेन्नई हाईकोर्ट की जुरिस्डिक्शन, एक आगे तमिलनाडु उसके बाद पुडुचेरी, ठीक है, पुडुचेरी और तमिलनाडु पर है चेन्नई हाईकोर्ट की जुरिस्डिक्शन। देन ओडिशा की ओडिशा पर ही है, पटना हाईकोर्ट की बिहार पर ही, ठीक है ना, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की जो कैपिटल है, सॉरी पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट की जो जुरिस्डिक्शन है वो पंजाब हरियाणा और चंडीगढ़ तीनों पर है। राजस्थान हाईकोर्ट की जुरिस्डिक्शन राजस्थान पर है, सिक्किम हाईकोर्ट की जुरिस्डिक्शन सिक्किम पर है, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की जुरिस्डिक्शन छत्तीसगढ़ पर है, उत्तराखंड की उत्तराखंड पर, झारखंड की झारखंड पर, ठीक है, मणिपुर हाईकोर्ट की जुरिस्डिक्शन नॉर्थ ईस्टर्न मणिपुर एरियाज पर है, ठीक है, मेघालय हाईकोर्ट की जुरिस्डिक्शन नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज पर है, त्रिपुरा हाईकोर्ट की जुरिस्डिक्शन नॉर्थ ईस्टर्न त्रिपुरा पर है, ठीक है ना। हाँ, उसके बाद इसी में देखते हैं कि इफ़ 6 यूनियन टेरिटरीज नॉट इंक्लूडेड देन देयर, हाँ, इफ 6 यूनियन टेरिटरीज नॉट इंक्लूडेड देन देयर आर 3 हाई कोर्ट्स, देयर आर 3 हाई कोर्ट्स विच हैव जुरिस्डिक्शन ओवर मोर देन वन स्टेट, दीज आर गुवाहाटी हाई कोर्ट, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट एंड हैदराबाद हाई कोर्ट, अगर हम यूटीज को इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ अ पंचायत इज डिसॉल्व्ड इलेक्शंस आर टू बी हेल्ड विद इन आंसर विद इन हाउ मेनी मंथ्स, आंसर है विद इन 6 मंथ्स, ठीक है। हाँ, डिटेल देखते हैं कि हाँ, अ क्लियर टर्म ऑफ 5 ईयर्स हैज़ बीन प्रोवाइडेड फॉर एवरी पंचायत एंड इलेक्शन मस्ट टेक प्लेस बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द टर्म, ठीक है। इट कैन हाउएवर बी डिसॉल्व्ड अर्लियर ऑन स्पेसिफिक ग्राउंड्स इन विच केस इलेक्शन मस्ट टेक प्लेस विद इन 6 मंथ ऑफ इट्स डिसोल्यूशन, ठीक है। अ पंचायत कंस्टिट्यूटेड आफ्टर प्री मैच्योर डिसोल्यूशन ऑफ डिसोल्यूशन इज टू कंटिन्यू ऑनली फॉर द रिमेनिंग पीरियड, ठीक है। हाउ एवर देर वुड बी नो नीड फॉर फ्रेश इलेक्शन ऑफ द रिमेनिंग टाइम इन इज लेस देन 6 मंथ, ठीक है, इफ द रिमेनिंग टाइम इज लेस देन 6 मंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज के कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड टेल विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ठीक है ना। हाँ, दो स्टेटमेंट दी गई हैं लेकिन उनमें करेक्ट सिर्फ एक ही है, और वो है कि द गवर्नर ऑफ पंजाब इज कंकरेंटली एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ चंडीगढ़। यस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो गवर्नर ऑफ पंजाब है इट इज़ कंकरेंटली द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ चंडीगढ़, ठीक है। एक और इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट लिखी गई है कि गवर्नर ऑफ केरला इज कंकरेंटली द एडमिनिस्ट्रेटर लक्षद्वीप, ये इनकरेक्ट है, ठीक है। थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि द गवर्नर ऑफ पंजाब इज कंकरेंटली द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ चंडीगढ़, ये सही है, ठीक है ना। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स इन आर्टिकल 239, आर्टिकल 239 में कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि दैट स्टेट्स दैट इन आर्टिक द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स इन आर्टिकल 239 दैट स्टेट दैट एवरी यूनियन टेरिटरी शैल बी एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द प्रेसिडेंट एक्टिंग थ्रू एन एडमिनिस्ट्रेटर टू बी अपॉइंटेड बाय हिम विद सच डेजिग्नेशन एज ही मे स्पेसिफाई, ठीक है। द एडमिनिस्ट्रेटर्स आर वेरियसली डेजिग्नेटेड लेफ्टिनेंट गवर्नर इन पुडुचेरी एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, एडमिनिस्ट्रेटर इन चंडीगढ़, ठीक है, दादरा एंड नागर हवेली में एडमिनिस्ट्रेटर हैं, दमन एंड दीव में भी एडमिनिस्ट्रेटर हैं, लक्षद्वीप में भी एडमिनिस्ट्रेटर हैं, चंडीगढ़ में भी एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है ना। द प्रेसिडेंट में अपॉइंट अ गवर्नर ऑफ स्टेट एज द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ वन एडजाइनिंग यूनियन टेरिटरी। यस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है कि प्रेसिडेंट में अपॉइंट अ गवर्नर ऑफ अ स्टेट एज द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ एन एडजाइनिंग यूटी, ठीक है, कि अगर एक स्टेट का गवर्नर है, ठीक है, वो एट द सेम टाइम दूसरी यूटी का एडमिनिस्ट्रेटर या एडमिनिस्ट्रेटर भी हो सकता है, ठीक है। एक स्टेट में वो गवर्नर का काम कर रहा है, दूसरी में एडमिनिस्ट्रेटर का, यूटी में एडमिनिस्ट्रेटर का, ठीक है ना। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तो ये याद रखना आर्टिकल 239 में इसी के रिलेटेड है कि प्रेसिडेंट जो है किसी भी पोजीशन में अपॉइंट कर सकता है किसी को एडमिनिस्ट्रेटर किसी यूटी का, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज के कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड टेल व्हिच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट आर करेक्ट, ठीक है ना।
दो स्टेटमेंट दी गई हैं, दोनों इनकरेक्ट हैं, ठीक है ना। पहली स्टेटमेंट में बोलता है कि द एडवोकेट जनरल ऑफ अ स्टेट इन इंडिया इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉन द रिकमेंडेशन ऑफ गवर्नर ऑफ द कंसर्न स्टेट, ठीक है ना, ये इनकरेक्ट है, ठीक है ना। और दूसरी एक और स्टेटमेंट है वो भी इनकरेक्ट है, उसमें बोलता है कि एज प्रोवाइडेड इन सिविल प्रोसीजर कोड हाई कोर्ट्स हैव ओरिजिनल अपीलेट एंड एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन एट द स्टेट लेवल। ये दोनों इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अब हम करेक्ट डिटेल में देखते हैं आंसर, ठीक है ना, कि ई स्टेट हैज़ एन एडवोकेट जनरल विच इज़ एन हु इज़ एन ऑफिशियल करस्पॉन्डिंग टू द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एंड विद सिमिलर फंक्शंस ऑफ फॉर द स्टेट, ठीक है। कि जैसा सेंटर में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है तो ऐसे हर स्टेट में एक एडवोकेट जनरल होता है, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 165 आर्टिकल 165 के मुताबिक दिस एडवोकेट जनरल इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर एंड होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर, आर्टिकल 165 में है, ठीक है। हाँ, ऑनली अ पर्सन क्वालिफाइड टू बी अ जज ऑफ द हाई कोर्ट कैन बी अपॉइंटेड एज द कैन बी अपॉइंटेड टू द पोस्ट, कि सिर्फ वही बंदा बन सकता है एडवोकेट जनरल जो कि एक हाई कोर्ट के जज बनने के लिए क्वालिफाइड हो, ठीक है ना। His recommendations is determined, his remuneration is determined by the governor, किसकी, advocate general की, ठीक है ना। Then article 177 empowers him to speak and to take part in the proceedings of the legislature of the state, but he has no right to vote in, ठीक है। कि जो advocate general होता है किसी state का, तो उसको article 177 जो है, article 177 Indian constitution का article 177, ये उस advocate general को अधिकार देता है कि वो जो है जो state की legislature है उसमें जो proceeding हो रही है उनमें हिस्सा ले, लेकिन वोट देने राइट टू वोट इन इट वो नहीं है, ठीक है, जैसे अटॉर्नी जनरल का होता है, ठीक है ना। एज प्रोवाइडेड इन सिविल प्रोसीजर कोर्ट हाई कोर्ट्स आर नॉट ओरिजिनल एपिलेट एंड एडवाइजरी ज्यूरिस्डिक्शन एट द स्टेट लेवल, ठीक है। और वो जो एक और स्टेटमेंट इनकरेक्ट लिखी थी कि हाई कोर्ट के पास जो है ये ओरिजिनल एपिलेट एडवाइजरी ज्यूरिस्डिक्शन ये नहीं होती है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि एज प्रोवाइडेड इन सिविल प्रोसीजर कोर्ट हाई कोर्ट्स आर नॉट ओरिजिनल एपिलेट एंड एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन एट दी स्टेट लेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन इंडिया द फर्स्ट म्यूनसिपल कॉरपोरेशन वाज सेट अप इन विच वन अमंग द फॉलोइंग, ठीक है। ऑप्शन है केरला, चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, तो करेक्ट आंसर है चेन्नई, ठीक है। कि पहली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो है वो चेन्नई में बनी थी। डिटेल देखते हैं कि इन इंडिया फर्स्ट म्यूनसिपल कॉरपोरेशन वॉज सेट अप इन चेन्नई द कैपिटल ऑफ तमिलनाडु। इन मोस्ट ऑफ द स्टेट म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हैव बीन एस्टैब्लिश फॉर मेजर सिटीज अंडर स्पेसिफाइड एक्ट ऑफ द म्यूनसिपल लेजिस्लेचर, ठीक है। बट नाउ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस हैव बीन गिवन टू लोकल सेल्फ गवर्नमेंट यूनिट्स इन अर्बन एरियाज थ्रू द 74th अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। सेल्फ गवर्नमेंट जो है, हाँ, कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस इसको मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद रेफरेंस टू लोक अदालत कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड टेल विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट आर करेक्ट, ठीक है ना। तो दो स्टेटमेंट दी गई हैं, करेक्ट सिर्फ उनमें एक है, और वो है कि एन अवार्ड मेड बाई ए लोक अदालत इज डीम्ड टू बी अ डिक्री, DECREE इज डीम्ड टू बी अ डिक्री ऑफ अ सिविल कोर्ट एंड नो अपील लाइज अगेंस्ट देयर टू बिफोर एनी कोर्ट, ठीक है। यस सही है। दूसरी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, उसमें यह है कि मैट्रीमोनियल एंड फैमिली डिस्प्यूट्स आर नॉट कवर्ड अंडर लोक अदालत, ये इनकरेक्ट है, ऐसे कवर होते हैं, ठीक है। अब थोड़ा डिटेल में देखते हैं लोक अदालत के बारे में। लोक अदालत विच आर वॉलंट्री एजेंसीज एट प्रेजेंट आर मॉनिटर्ड एंड ओवरसीन बाय दी स्टेट लीगल एड एंड एडवाइस बोर्ड, ठीक है। हाँ, इनकी इन पे निगरानी कौन रखता है लोक अदालत पे, ये रखता है स्टेट लीगल एड एंड एडवाइस बोर्ड, ठीक है। इट हैज़ प्रूव टू बी अ सक्सेसफुल अल्टरनेटिव फोरम फॉर रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स थ्रू कॉन्सिलियरी मेथड्स, ठीक है। हाँ, थ्रू कॉन्सिलेटरी मेथड्स, ठीक है। हाँ, बातचीत करके। द लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987, जो 1987 का 1987 का लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट था। हाँ, द लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987 हैव बीन इनएक्टेड विच विल प्रोवाइड अ स्टैट्यूटरी फुटिंग टू द लीगल एड मूवमेंट, ठीक है। अंडर द एक्ट
देर शैल बी लीगल सर्विस अथॉरिटीज एट द सेंट्रल स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल्स, ठीक है, एंड देन दीज अथॉरिटीज विल हैव देयर ओन फंड्स, इनके अपने फंड्स होंगे इन अथॉरिटीज़ के, ठीक है ना। फर्दर द लोक अदालत विच आर एट प्रेजेंट इनफॉर्मल एजेंसीज, ये इनफॉर्मल एजेंसीज हैं, ठीक है ना, विल एक्वायर स्टेट्यूटरी अथॉरिटी, ठीक है ना। हाँ, फर्दर द लोक अदालत विच आर एट प्रेजेंट इनफॉर्मल एजेंसीज विल एक्वायर स्टेट्यूटरी अथॉरिटी, ठीक है। एवरी अवार्ड ऑफ द लोक अदालत शैल बी डीम्ड टू बी अ डिग्री ऑफ अ सिविल कोर्ट आर ऑर्डर ऑफ एनी अदर कोर्ट आर ट्रिब्यूनल एंड शैल बी फाइनल एंड बाइंडिंग ऑन ऑल द पार्टीज टू द डिस्प्यूट्स, ठीक है। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स दैट इन रिस्पेक्ट ऑफ केसेज डिसाइडेड एट अ लोक अदालत द कोर्ट फी पेड बाई द पार्टीज विल बी रिफंडेड, ठीक है। हाँ, ये भी कहता है कि इन रिस्पेक्ट ऑफ केसेज डिसाइडेड एट अ लोक अदालत जो कोर्ट फी दी गई है पार्टी से वो रिफंड हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि विद रेफरेंस टू द यूनियन गवर्नमेंट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड टेल विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट आर करेक्ट, ठीक है। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दो स्टेटमेंट दी गई हैं, बताना इनमें से करेक्ट कौन सी है। दोनों इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। एक में बोलते हैं कि हाँ कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स दैट ऑल कैबिनेट मिनिस्टर शैल बी कंपल्सरली द सिटिंग मेंबर्स ऑफ लोकसभा ऑनली, ये इनकरेक्ट है, ठीक है, राज्यसभा के भी हो सकते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि द यूनियन यूनियन कैबिनेट सेक्रेटेरिएट ऑपरेट्स अंडर द डायरेक्शन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स, नो इट इज़ इनकरेक्ट, ठीक है। डिटेल में देखते हैं आंसर के द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स सेल्डम मीट्स एज अ बॉडी, ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स सेल्डम मीट्स एज अ बॉडी, इट इज़ द कैबिनेट एंड इनर बॉडी विद इन द काउंसिल, ठीक है ना, विच शेप्स द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। कैबिनेट मिनिस्टर्स होल्ड चार्ज ऑफ की पोर्टफोलियोज, ठीक है। देर इज़ नो बार ऑन द अपॉइंटमेंट ऑफ अ पर्सन फ्रॉम आउटसाइड द लेजिस्लेचर एज अ मिनिस्टर, ठीक है, कोई बार नहीं है, कोई रुकावट नहीं है, ठीक है, कि मतलब के लेजिस्लेचर के बाहर से किसी बंदे को मिनिस्टर बनाया जाए, ठीक है। बट ही कैन नॉट कंटिन्यू फॉर मोर देन सिक्स मंथ अनलेस ही सिक्योर्स अ सीट इन आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट इन द मीन टाइम, ठीक है। हाँ, अ मिनिस्टर हु इज अ मेंबर ऑफ वन हाउस, अ मिनिस्टर हु इज अ मेंबर ऑफ वन हाउस हैज़ अ राइट टू स्पीक इन एंड टू टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द अदर हाउस थ्रू, हाँ, दफ ही हैज़ नो राइट टू वोट इन द हाउस ऑफ विच ही इज़ नॉट अ मेंबर, के अ मिनिस्टर हु इज़ अ मेंबर ऑफ वन हाउस हैज़ अ राइट टू स्पीक इन एंड टू टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग ऑफ द अदर हाउस दफ ही हैज़ नो राइट टू वोट इन द हाउस ऑफ विच ही इज़ नॉट अ मेंबर। The union cabinet secretariat is not operated under the direction of Ministry of Parliamentary Affairs, ठीक है। Union cabinet secretariat जो है ये parliamentary affair ministry के अंदर नहीं आता, ठीक है। Union cabinet secretariat is under the supervision of Prime Minister office, ठीक है, PMO की supervision में होता है ये union cabinet secretariat जो है ये PMO Prime Minister office की supervision के अंदर चलता है, ठीक है। इट्स एडमिनिस्ट्रेटिव चीफ इज कैबिनेट सेक्रेटरी हु इज़ द चेयरमैन ऑफ सिविल सर्विसेज बोर्ड, ठीक है ना। और जो इस यूनियन कैबिनेट सेक्रेटरीट का जो एडमिनिस्ट्रेटिव चीफ होगा वो एक कैबिनेट सेक्रेटरी भी होता है, ठीक है ना। और ये जो है चेयरमैन ऑफ सिविल सर्विसेज बोर्ड भी होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन इज के विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट स्टेट दैट द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल नॉट एक्सीड 15% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल, मतलब लोकसभा। तो आंसर है 91st अमेंडमेंट, ठीक है, कि 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट स्टेट्स दैट द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल नॉट एक्सीड 15% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द हाउस, इट इज़ एडेड इन द आर्टिकल 71 क्लास फर्स्ट इन 2003 आफ्टर 91st अमेंडमेंट, ठीक है, आर्टिकल 75 क्लास 1 में ऐड कराइए 91st अमेंडमेंट के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड टेल विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट आर करेक्ट, ठीक है। दो स्टेटमेंट दी गई हैं तो बताना है उनमें से कौन सी सही है, ठीक है। दो स्टेटमेंट में से एक जो गलत है एक सही है, ठीक है, और वो सही है वो पहले पढ़ते हैं जो सही है, ठीक है। वो ये है कि द मिनिस्टर द मेंबर्स ऑफ द कैट CAT मीन्स सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, ठीक है ना,
सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल कैट। द मेंबर्स फॉर कैट आर ड्रॉन फ्रॉम बोथ जुडिशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रीम्स। यस इट इज़ करेक्ट। ठीक है, इसमें एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट भी है कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल CAT वाज सेट अप, दिस कैट वाज सेट अप ड्यूरिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ लाल बहादुर शास्त्री, ये इनकरेक्ट है। ठीक है ना, क्योंकि ये राजीव गांधी के टाइम पे हुई थी, ना कि शास्त्री के टाइम। डिटेल में देखते हैं आप, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल कैट वाज सेट अप अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स एक्ट 1985 का, ठीक है ना, विच केम इनटू फोर्स इन जुलाई 1985। ठीक है, इट वाज सेट अप ड्यूरिंग द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ राजीव गांधी। ठीक है, इन परस्यूंस ऑफ द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 323 क्लास ए, आर्टिकल 323 क्लास ए, इन पार्ट 14th क्लास ए ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स एक्ट 1985 वाज इनएक्टेड बाय द पार्लियामेंट। ठीक है, कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो पार्ट 14th ए है, उसमें जो आर्टिकल 323 क्लास ए है, ठीक है ना, तो उस आर्टिकल के तहत जो है ये एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट 1985 जो है पार्लियामेंट ने बनाया। ठीक है, आर्टिकल 323 क्लास ए, ठीक है, जो कि पार्ट 14th ए में आता है, उसके तहत। ठीक है, अंडर दिस एक्ट मीन्स दिस एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स एक्ट 1985, ठीक है, अंडर दिस एक्ट द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल कैट वाज सेट अप इन नवंबर 1985 टू प्रोवाइड स्पीडी एंड इनएक्सपेंसिव जस्टिस टू सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज इन रिस्पेक्ट ऑफ देयर सर्विस मैटर्स। ठीक है, कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं उनको जस्टिस मिलेगा, ठीक है ना, इन रिस्पेक्ट ऑफ देयर सर्विस मैटर्स। ठीक है, तो उसके लिए ये सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल बनाया, ठीक है, CAT। हाँ, तो दीज ट्रिब्यूनल्स आर टू एडजुडिकेट डिस्प्यूट्स एंड कंप्लेंट्स रिलेटिंग टू रिक्रूटमेंट एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ पर्संस अपॉइंटेड टू पब्लिक सर्विसेज एंड अपोस्ट इन कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। ठीक है, इट हैज़ ऑल द ज्यूरिस्डिक्शन पावर एंड अथॉरिटी ऑफ अ कोर्ट इन द स्पेसिफाइड मैटर्स। अ ट्रिब्यूनल कैन बी चेक्ड बाई हाई कोर्ट फॉर एक्सीडिंग इट्स ज्यूरिस्डिक्शन और इफ इट्स आर्डर इन कंट्रेरी टू नेशनल जस्टिस। ठीक है, द सुप्रीम कोर्ट मे ग्रांट स्पेशल लीव टू अपील फ्राम एनी डिसीजन मेड बाई अ ट्रिब्यूनल इन एक्स्ट्रॉर्डनरी सर्कमस्टांसेस। हाँ, मीन्स दिस ट्रिब्यूनल हैज़ ऑल द ज्यूरिस्डिक्शन पावर एंड अथॉरिटी ऑफ अ कोर्ट इन दिस स्पेसिफाइड मैटर्स। अ ट्रिब्यूनल कैन बी चेक बाई हाई कोर्ट फॉर एक्सीडिंग इट्स ज्यूरिस्डिक्शन आर इफ इट्स आर्डर इज कंट्रेरी टू नेशनल जस्टिस। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट मे ग्रांट स्पेशल लीव टू अपील फ्राम एनी डिसीजन मेड बाई ट्रिब्यूनल इन एक्स्ट्रॉर्डिनरी सर्कमस्टांसेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद रेफरेंस टू द यूनियन गवर्नमेंट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड टेल विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट आर करेक्ट। ठीक है ना, हाँ, दो स्टेटमेंट दी गई हैं लेकिन करेक्ट एक ही है, और वो है कि द नंबर ऑफ मिनिस्टर्स एट द सेंटर ऑन 15th अगस्त 1947 वाज 18 में थे। ठीक है ना, यस ये सही है कि 15 अगस्त 1947 को कितने मिनिस्टर्स थे उस वक्त की गवर्नमेंट में, आंसर है 18। ठीक है, एक और स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है, उसमें ये है कि द नंबर ऑफ मिनिस्टर एट द सेंटर एट प्रेजेंट इज 36। नो, इट इज़ इनकरेक्ट। ठीक है, थोड़ा डिटेल में देखते हैं आप आंसर, कि द नंबर ऑफ मिनिस्टर्स एट दी हाँ द नंबर ऑफ मिनिस्टर एट द सेंटर ऑन 15 अगस्त 1947 वाज 18। ठीक है, हाँ, इन प्रेजेंट टाइम टोटल नंबर ऑफ मिनिस्ट्रीज आर 48। ठीक है, 15 अगस्त 1947 को टोटल कितनी मिनिस्ट्रीज हुआ करती थी, 18। तो आज कितनी मिनिस्ट्रीज हैं इंडिया में, आज हैं 48। ठीक है, उस वक्त 18, आज 48। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट कि आज कितनी मिनिस्ट्रीज हैं, 48। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन इंडिया हु इज़ द चेयरमैन ऑफ द नेशनल वाटर रिसोर्सेज काउंसिल। नेशनल वाटर रिसोर्सेज काउंसिल का चेयरमैन इंडिया में कौन होता है, तो आंसर है प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, कि इन इंडिया प्राइम मिनिस्टर इज़ द चेयरमैन ऑफ द नेशनल वाटर रिसोर्सेज काउंसिल। ठीक है, इन मार्च 1983 में नेशनल वाटर रिसोर्सेज काउंसिल वाज फाउंडेड, इट्स डिप्टी चेयरमैन इज मिनिस्टर ऑफ वाटर रिसोर्सेज। ठीक है, वाटर रिसोर्सेज का जो मिनिस्टर है वो इसका डिप्टी चेयरमैन होगा, इस काउंसिल का प्राइम मिनिस्टर होगा इसका चेयरमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। ठीक है,
तो आंसर है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस पीएमओ के ऑफिस में आता है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। ठीक है, डिटेल में देखते हैं कि डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी कम्स अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस पीएमओ। द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी वॉज सेट अप इन 1954। ठीक है ना, इट इज़ द एग्जीक्यूटिव एजेंसी फॉर इंप्लीमेंटिंग द एटॉमिक एनर्जी प्रोग्राम। देर आर थ्री पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स मींस PSU अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। ठीक है, DAE डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी जो है उसके अंदर तीन जो है PSU आती हैं पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, वो कौन कौन सी हैं। नंबर वन आ गया, ठीक है, दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, हाँ, पहली कौन सी आएगी, वो है कि द इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड IREL, द इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड विच हैज सेट अप द ओडिशा सेंट्स कम्प्लेक्स OSCOM एट छतरपुर फॉर इन्हेंसिंग रेयर अर्थ प्रोडक्शन। ठीक है, दूसरी PSU आ गई द यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड UCIL, यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड UCIL विच माइंस एट जाडूगुडा इन झारखंड। ठीक है, तीसरी PSU आ गई द इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ECIL विच मैन्युफैक्चर्स इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स एंड इक्विपमेंट्स फॉर न्यूक्लियर एज वेल एज नॉन न्यूक्लियर यूजर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज के विद रेफरेंस टू द यूनियन गवर्नमेंट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड टेल विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट आर करेक्ट। ठीक है ना, दो स्टेटमेंट हैं, उनमें से करेक्ट सिर्फ एक ही है, और वो है कि ईच ऑफ द मिनिस्ट्रीज इज असाइंड टू अ मिनिस्टर बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। ये सही है, करेक्ट। दूसरी स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है कि द मिनिस्ट्रीज आर डिपार्टमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर क्रिएटेड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑन द एडवाइस ऑफ द कैबिनेट सेक्रेटरी। ये इनकरेक्ट है। ठीक है, डिटेल में देखते हैं कि द मिनिस्ट्रीज एंड मिनिस्ट्रीज आर डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर नॉट क्रिएटेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कैबिनेट सेक्रेटरी बाय PM। ठीक है, बट हाँ कैबिनेट सेक्रेटरी इज द हेड ऑफ द कैबिनेट सेक्रेटरीट जो है उसका हेड होता है कैबिनेट सेक्रेटरी। ठीक है ना, ये जो कैबिनेट सेक्रेटरी होता है ही इज़ द चेयरमैन बाय पोस्ट ऑफ सिविल सर्विसेज बोर्ड। सिविल सर्विसेज बोर्ड जो होता है पोस्ट के हिसाब से वो चेयरमैन होता है। ठीक है, कैबिनेट सेक्रेटरी। ठीक है, ईच ऑफ द मिनिस्ट्रीज इज असाइंड टू अ मिनिस्टर बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2010 में आया था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग अथॉरिटीज मेक्स रिकमेंडेशन टू द गवर्नर ऑफ अ स्टेट एज टू द प्रिंसिपल्स फॉर डिटर्मनिंग द टैक्सेस एंड ड्यूटीज विच मे बी अप्रोप्रिएटेड बाय द पंचायत इन दैट पर्टिकुलर स्टेट। तो आंसर है कि स्टेट फाइनेंस कमीशन। आंसर है स्टेट फाइनेंस कमीशन। ठीक है, डिटेल में देखते हैं कि स्टेट फाइनेंस कमीशन मेक्स रिकमेंडेशंस टू द गवर्नर ऑफ अ स्टेट एज टू द प्रिंसिपल्स टू डिटर्मिन द टैक्सेस एंड ड्यूटीज विच मे बी अप्रोप्रिएटेड बाय द पंचायत्स एट दैट पर्टिकुलर स्टेट। ठीक है, इन दैट पर्टिकुलर स्टेट अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 243 क्लास वन। ठीक है, क्लास फर्स्ट जो है, ठीक है, आर्टिकल 243 क्लास आई जो है, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 243 क्लास फर्स्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द गवर्नर ऑफ अ स्टेट शैल कॉन्स्टिट्यूट अ फाइनेंस कमीशन टू रिव्यू द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द पंचायत एंड टू मेक रिकमेंडेशंस टू द गवर्नर एज टू नंबर वन द प्रिंसिपल्स विच शुड गवर्न द डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन द स्टेट एंड द पंचायत of the net proceeds of the taxes, duties, toll and fees leviable by the state। ठीक है, उसके बाद ये है कि हाँ नंबर सेकेंड है कि the determination of taxes, duties, tolls and fees which may be assigned to or appropriated by the panchayat। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज With reference to Lok Adalat, which of the following statement is correct? ठीक है ना, तो चार स्टेटमेंट दी गई हैं, ऑल ऑफ देम आर इनकरेक्ट। ठीक है,
लोक अदालत के रिलेटेड चार स्टेटमेंट दी गई हैं वो सारी इनकरेक्ट हैं। पहली में बोलता है कि लोक अदालत हैव द ज्यूरिस्डिक्शन टू सेटल द मैटर्स एट प्री लिटिगेटिव स्टेज एंड नॉट दोज मैटर्स पेंडिंग बिफोर एनी कोर्ट, ये भी इनकरेक्ट है। उसके बाद है कि लोक अदालत कैन डील विद मैटर्स विच आर सिविल एंड नॉट क्रिमिनल इन नेचर, ये भी इनकरेक्ट है। तीसरी स्टेटमेंट है कि एवरी लोक अदालत कंसिस्ट ऑफ आइदर सर्विंग आर रिटायर्ड जुडिशियल ऑफिसर्स ऑनली एंड नॉट एनी अदर पर्सन, ये भी इनकरेक्ट। डिटेल में आंसर देखते हैं इस क्वेश्चन का कि द ज्यूरिस्डिक्शन ऑफ द लोक अदालत इज वाइड एज मैनी एज एनी मैटर फेलिंग एज एनी मैटर फॉलिंग विद इन द ज्यूरिस्डिक्शन ऑफ अ सिविल क्रिमिनल रेवन्यू कोर्ट्स आर ट्राइबल्स कैन बी टेकन अप, ठीक है। तो वाइड इसका ज्यूरिस्डिक्शन है, ठीक है ना। हाँ, इफ बोथ आर कंसर्न्ड पार्टीज एग्री देन द कोर्ट कैन रेफर द मैटर टू अ लोक अदालत फॉर अ रादर इनफॉर्मल डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, ठीक है। अ लोक अदालत हैज द ज्यूरिस्डिक्शन टू सेटल बाई वे ऑफ इफेक्टिंग कंप्रोमाइज बिटवीन द पार्टीज, हाँ ठीक है, पार्टीज़ के दरमियान कंप्रोमाइज़ करवाया जाए। एनी मैटर विच मे बी पेंडिंग बिफोर एनी कोर्ट, ठीक है, कोई भी मैटर जो किसी अदालत में पड़ा है, ठीक है, उसका सोल्यूशन निकाला जाए। एज वेल एज मैटर्स एट प्री लिटिगेटिव स्टेज, ठीक है, प्री लिटिगेटिव स्टेज पे मैटर हो उसको भी रिजॉल्व करा जाता है। मीन्स प्री लिटिगेटिव स्टेज मीन्स द डिस्प्यूट्स विच हैव नॉट येट बीन फॉर्मली इंस्टीट्यूटेड इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ, वो प्री लिटिगेटिव स्टेज होगी तो वो भी सॉल्व हो सकते हैं, ठीक है। द लोक अदालत इज प्रिजाइडेड ओवर बाय ए सिटिंग आर रिटायर्ड जुडिशियल ऑफिसर एज द चेयरमैन विद टू अदर मेंबर्स यूजुअली अ लायर एंड अ सोशल वर्कर, ठीक है। हाँ, कि जो लोक अदालत होता है इसको प्रिजाइड ओवर करते हैं एक रिटायर्ड जुडिशियल ऑफिसर चेयरमैन होगा और दो दूसरे बंदे होंगे, उनमें से एक लायर होगा और एक सोशल वर्कर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज के हु ऑफ द फॉलोइंग शैल कास एवरी रिकमेंडेशन मेड बाय द फाइनेंस कमीशन टू बी लेड बिफोर ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, तो आंसर है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। हाँ, डिटेल देखते हैं। द प्रेसिडेंट शैल कास एवरी रिकमेंडेशन मेड बाय द फाइनेंस कमीशन अंडर द प्रोविजंस ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन टुगेदर विद एन एक्सप्लेनेटरी मेमोरेंडम एज टू द एक्शन टेकन देयर ऑन टू बी लेड बिफोर ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन, ठीक है। हाँ, द इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कंटेन्ड इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 हैव बीन इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन द ईयर 1950 एज, आंसर है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। कि जो 1935 का जब ब्रिटिश इंडिया था ये, तो उस वक्त जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था उसमें जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस था, ठीक है ना, वही जो है 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में डाला एज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है, DPSP वैसे ही टाइप का मतलब है, ठीक है। डिटेल में देखते हैं। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर लाइक इंस्ट्रूमेंट्स विच वर इशूड टू द गवर्नर इन जनरल, ठीक है, गवर्नर इन जनरल एंड गवर्नर्स ऑफ कॉलोनीज एंड टू दोज ऑफ इंडिया बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट अंडर द 1935 एक्ट एंड अंडर द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इट वॉज प्रपोज टू इशू सच इंस्ट्रक्शंस टू द प्रेजिडेंट एंड गवर्नर्स, ठीक है। द टेक्स्ट ऑफ दीज इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस इज फाउंड इन द पार्ट फोर्थ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, दैट इज DPSP में, वैसी ही जो है वो टेक्स्ट लिखी गई है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग एंड, हाँ, कुछ ऑप्शन दिए गए हैं जैसे फंडामेंटल राइट्स नंबर दो आ गया, फंडामेंटल ड्यूटीज नंबर तीन आ गया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। ये स्टेटमेंट दी गई हैं, फिर बताया गया है कि विच ऑफ द अबव प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर फुलफिल्ड बाय द नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम लॉन्च करा था, तो हाँ, तो ये कौन से प्रोविजन फुलफिल करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, ठीक है ना। तो आंसर है कि नंबर वन फंडामेंटल राइट्स और नंबर सेकंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है ना, कि ये फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं कवर होते, सिर्फ फंडामेंटल राइट्स और DPSP, ठीक है। किसके तहत फुलफिल हुआ ये, नेशनल सोशल असिस्टेंस
प्रोग्राम के तहत, ठीक है, डिटेल में देखते हैं। नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, शॉर्ट में NSAP, NSAP मीन्स नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, ठीक है। हाँ, दिस NSAP इज़ अ सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम फॉर पुअर हाउस होल्ड्स, लॉन्च ऑन 15 अगस्त 1995 एंड रिप्रेजेंट्स अ सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड्स द फुलफिलमेंट ऑफ द DPS डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स इन आर्टिकल 41 एंड आर्टिकल 42 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, रिकॉग्नाइजिंग द कंकरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स इन द मैटर, ठीक है। The NSAP, that is National Social Assistance Program, ठीक है। The NSAP will include for the time being 3 benefits as its components. कौन कौन से? Number 1 आ गया NOAPS, that is National Old Age Pension Scheme. NOAPS, National Old Age Pension Scheme. Number 2 आ गया NFBS, that is National Family Benefit Scheme. NFBS, National Family Benefit Scheme. नंबर 3 आ गया NMBS, दैट इज नेशनल मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम। NMBS, नेशनल मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम, ठीक है। कि दिस NSAP, दैट इज नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, विल इंक्लूड फॉर द टाइम बीइंग 3 बेनिफिट्स एज इट्स कंपोनेंट, दैट इज NOAPS एंड NFBS एंड NMBS। मीन्स NOAPS हो गया नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम, NFBS हो गया नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम, NMBS हो गया नेशनल मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम, ठीक है। इसी में देखते हैं आर्टिकल 41 जो है, राइट टू वर्क, टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टन केसेस, ठीक है, जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल में ये आर्टिकल 41 फॉल होता है, ठीक है। या आर्टिकल 41 आर्टिकल 41 के तहत राइट टू वर्क, टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टन केसेस। और इसी तरह आर्टिकल 42 जो है, आर्टिकल 42 वो कहता है कि प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ, ठीक है। आर्टिकल 42 ये भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में आता है। तो मतलब कि ये NSAP जो है, नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, ये इनको फुलफिल करता है, ठीक है ना। ऑल थ्री स्कीम्स, ठीक है, नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम, नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम एंड नेशनल मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम, ठीक है। ऑल दीज थ्री स्टेट स्कीम्स आल्सो फुलफिल द क्राइटेरिया ऑफ राइट टू लाइफ गिवन अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि फंडामेंटल राइट आर्टिकल 21 में है ना, कि राइट टू लाइफ है ना, तो वो जो है, जो कि फंडामेंटल राइट आर्टिकल 21 में आता है, तो वो भी जो है ये तीन स्कीम कवर करती हैं, ठीक है। हाँ, जो कि NSAP के अंडर कवर होती हैं। तो ये NSAP जो है 15 अगस्त 1995 को लॉन्च करा गया था। हाँ, जो आर्टिकल 41 और 42 में फंडामेंटल प्रिंसिपल है उनको फुलफिल करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड टेल विच ऑफ द गिवन इज करेक्ट। क्वेश्चन है हमारा, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टेंडर्स एडवाइस टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन मैटर्स ऑफ लॉ आर फैक्ट, ठीक है। तो कुछ स्टेटमेंट दी गई हैं, फिर करेक्ट बताना है। करेक्ट इनमें से सिर्फ एक ही है कि इफ़ ही सीक सच एन एडवाइस, अगर प्रेसिडेंट ऐसी कोई एडवाइस चाहता है तभी सुप्रीम कोर्ट देगी, ठीक है। डिटेल में देखते हैं आगे आंसर के। हाँ, आर्टिकल 143, आर्टिकल 143 जो है, आर्टिकल 143 वो क्या कहता है कि प्रेसिडेंट, हाँ, पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट इंक्लूड्स, नंबर 1, इफ एट एनी टाइम इट अपीयर्स टू द प्रेसिडेंट दैट अ क्वेश्चन ऑफ लॉ आर फैक्ट हैज अराइजन आर इज लाइकली टू अराइज विच इज ऑफ सच अ नेचर एंड ऑफ सच पब्लिक इंपॉर्टेंस दैट इट इज एक्सपीडियंट टू ऑब्टेन द ओपिनियन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। हाँ, अपॉन इट ही मे रेफर द क्वेश्चन टू दैट कोर्ट फॉर कंसिडरेशन एंड द कोर्ट मे आफ्टर सच हेयरिंग एज इट थिंक्स फिट रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट इट्स ओपिनियन देर ऑन, ठीक है। हाँ, कब जब आर्टिकल प्रेजिडेंट आर्टिकल 143 में बोलेगा। उसके बाद दूसरी स्टेटमेंट ये है कि इफ, हाँ, के पावर ऑफ द प्रेजिडेंट टू कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट इन कोर्ट्स, हाँ, आल्सो द प्रेजिडेंट मे नॉट विदस्टैंडिंग एनीथिंग इन द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 131, आर्टिकल 131, ठीक है, रेफर अ डिस्प्यूट ऑफ द काइंड मेंशन इन द सेड प्रोविजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। हाँ, रिपीट करता हूँ कि द प्रेसिडेंट मे नॉट विदस्टैंडिंग एनीथिंग इन द प्रोविजन टू आर्टिकल 131,
ठीक है 131 रेफर अ डिस्प्यूट ऑफ द काइंड मेंशन्ड इन दिस सेड प्रोविजन टू द सुप्रीम कोर्ट फॉर ओपिनियन एंड द सुप्रीम कोर्ट शैल आफ्टर सच हियरिंग एज इट थिंक्स फिट रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट इट्स ओपिनियन देरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 में आया था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वोट ऑन अकाउंट एंड इंटरिम बजट। ठीक है ना, वोट ऑन अकाउंट और इंटरिम बजट, ठीक है, इन दोनों में क्या फ़र्क है। ठीक है, हाँ तो दो स्टेटमेंट दी गई हैं, उनमें से जो करेक्ट एक्सप्लेन करती है वो बताना हमें। ठीक है ना, तो हाँ दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। ठीक है, पहले स्टेटमेंट में बोलते हैं कि द प्रोविजन ऑफ अ वोट ऑन अकाउंट इज यूज बाई अ रेगुलर गवर्नमेंट वाइल द इंटरिम बजट इज अ प्रोविजन यूज बाई अ केयरटेकर गवर्नमेंट। ठीक है, हाँ वोट ऑन अकाउंट जो है ये एक रेगुलर गवर्नमेंट करती है और इंटरिम बजट जो है एक केयरटेकर गवर्नमेंट करती है। ठीक है, नंबर सेकंड इस तरह भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि अ वोट ऑन अकाउंट ऑनली डील्स विद द एक्सपेंडिचर इन गवर्नमेंट्स बजट वाइल एन इंटरिम बजट इंक्लूड्स बोथ एक्सपेंडिचर एंड रिसिप्ट्स। ठीक है, इंटरिम बजट में दोनों आती हैं और वोट ऑन अकाउंट में सिर्फ एक्सपेंडिचर ही है गवर्नमेंट के बजट में जो वो। ठीक है, डिटेल में देखते हैं कि द अंतरिम बजट इज़ नॉट द सेम एज अ वोट ऑन अकाउंट। ठीक है ना, वाइल अ वोट ऑन अकाउंट डील्स ऑनली विद द एक्सपेंडिचर साइड ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, एंड अंतरिम बजट इज़ अ कंप्लीट सेट ऑफ अकाउंट्स इंक्लूडिंग बोथ एक्सपेंडिचर एंड रिसिप्ट्स। ठीक है, जो वोट ऑन अकाउंट होता है जो कि रेगुलर गवर्नमेंट करती है, ये सिर्फ खर्चा ही के रिलेटेड होता है, उसी से डील करता है गवर्नमेंट का कितना खर्चा होगा। लेकिन जो अंतरिम बजट है उसमें कंप्लीट सेट ऑफ अकाउंट्स होगा, मतलब कि कितना खर्चा है होगा, कितना रिसिप्ट्स आएंगे। ठीक है ना, एंड अंतरिम बजट गिव्स द कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है ना, वेरी सिमिलर टू अ फुल बजट की तरह। ठीक है ना, अंतरिम बजट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज के अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, चार ऑप्शन दिए गए हैं, बताना कौन सी फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं है। और वो है जो आंसर है इसका, मतलब जो कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं है, और वो है कि टू वोट इन पब्लिक इलेक्शंस, ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं है। बाकी जो और ऑप्शंस में दिए गए हैं, जैसे टू डेवलप द साइंटिफिक टेंपर, टू सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल्स, ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ में है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन द एनुअल यूनियन बजट इज़ नॉट पास्ड बाय द लोकसभा देन व्हाट हैपन्स। आंसर है द प्राइम मिनिस्टर सबमिट्स द रेजिग्नेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, हाँ कि व्हेन द लोकसभा के, हाँ व्हेन द एनुअल यूनियन बजट इज़ नॉट पास्ड बाय द लोकसभा। हाँ, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है ना, कि अगर जो यूनियन सॉरी हाँ एनुअल यूनियन बजट जो होता है, अगर वो इज़ नॉट पास्ड बाय द लोकसभा, अगर लोकसभा उसको पास नहीं करती है, तब प्राइम मिनिस्टर को जो है रेजिग्नेशन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का सबमिट करना होता है। ठीक है ना, कि यूनियन बजट इज़ रेफर टू एज द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन आर्टिकल 112 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, कि जो यूनियन बजट है इसको कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 112 में कैसे डिफाइन करा गया है कि इट इज़ एन एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, हाँ इफ़ इट इज़ नॉट पास्ड बाय द लोकसभा देन इट अमाउंट्स टू लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ द गवर्नमेंट इन द हाउस। ठीक है, मतलब कि अगर ये यूनियन बजट या एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लोकसभा में पास नहीं होती है, तो मतलब कि जो लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ द गवर्नमेंट हो जाता है हाउस में, तो गवर्नमेंट को रिज़ाइन करना होता है। ठीक है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये यूनियन बजट पास होना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज के द ऑथोराइजेशन फॉर द विदड्रावल ऑफ फंड्स फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया मस्ट कम फ्रॉम। आंसर है कि इट मस्ट कम फ्रॉम द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, कि द ऑथोराइजेशन फॉर द विदड्रावल ऑफ फंड्स फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया मस्ट कम फ्रॉम। आंसर है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, वहाँ से अथॉरिटी मिलनी चाहिए कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसे निकालने हैं, फंड निकालने हैं, तब पार्लियामेंट ऑफ इंडिया की अथोराइजेशन चाहिए। ठीक है, एनी विदड्रावल ऑफ अमाउंट फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया CFI मस्ट बी अप्रूव्ड फ्रॉम द पार्लियामेंट एज गिवन इन आर्टिकल 266। जैसे आर्टिकल 266 में मेंशन है ना, कि अगर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकालना है तो पार्लियामेंट की अप्रूवल जो है वो ज़रूरी है, आर्टिकल 266 में मेंशन आई बात।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज के ऑल रेवन्यूज रिसीव्ड बाय द यूनियन गवर्नमेंट बाय वे ऑफ टैक्सेस एंड अदर रिसीप्ट्स फॉर द कंडक्ट ऑफ गवर्नमेंट बिजनेस इज आर क्रेडिटेड टू द आंसर है कि दीज आर क्रेडिटेड टू द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ठीक है कि आर्टिकल 266 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। हाँ यस उसके बाद है कि नेक्स्ट क्वेश्चन के कंसीडर द फॉलोइंग। ठीक है कुछ हाँ स्टेटमेंट दी गई हैं। नंबर वन राइट टू एजुकेशन, नंबर सेकंड राइट टू इक्वल एक्सेस टू पब्लिक सर्विस, नंबर तीन राइट टू फूड। ठीक है तो फिर क्वेश्चन पूछा इनके रिलेटेड के विच ऑफ द अबव आर ह्यूमन विच ऑफ द अबव आर ह्यूमन राइट्स अंडर यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। ठीक है के जो इंटरनेशनल लेवल पे होता है ना मतलब कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। ठीक है उसमें कौन कौन से आते हैं, ये तीनों आते हैं मतलब राइट टू एजुकेशन पढ़ाई लिखाई का हक, उसके बाद राइट टू इक्वल एक्सेस टू पब्लिक सर्विस के जो पब्लिक सर्विस है उसमें इक्वल एक्सेस मिलना चाहिए, और तीसरा राइट टू फूड के किसी को फाके नहीं रखना, फूड का हर किसी को अख्तियार दो। ठीक है ये जो है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के अंडर कवर होते हैं। ठीक है हाँ कि ऑल दीज थ्री आर मैंशन इन द UN डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट्स। ठीक है इनडीड द राइट टू फूड बिकम्स द बेसिस फॉर द वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ऑफ द UN। ठीक है और ये जो है हाँ सो इट इज़ द राइट टू एजुकेशन फॉर यूनिसेफ। ठीक है और इसलिए जो है ये जो राइट टू फूड है खाने का हक, ठीक है ना, ये बेसिस बन गया है किस लिए, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का जो है बेसिस क्या है, यही आर्टिकल मतलब यही जो राइट है यूनिवर्सल UN डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में के राइट टू फूड, तो उसी की वजह से वर्ल्ड फूड प्रोग्राम चला। ठीक है UN का उसके बाद जो यूनिसेफ है, ठीक है ना, तो वो जो है राइट टू एजुकेशन, ठीक है राइट टू एजुकेशन जो है जो के यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में, तो यही राइट टू एजुकेशन बिकम्स द बेसिस फॉर द क्रिएशन ऑफ यूनिसेफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडिया इज़ होम टू लाख ऑफ पर्सन्स विद डिसबिलिटीज़, हाँ व्हाट आर द बेनिफिट्स अवेलेबल टू देम अंडर लॉ। ठीक है ना वो बताना हमें, तो तीन स्टेटमेंट है तीनों सही है। नंबर वन फ्री स्कूलिंग टिल द एज ऑफ 18 ईयर्स इन गवर्नमेंट रन स्कूल, 18 साल तक फ्री एज, ठीक है जिन लोगों को डिसबिलिटी। उसके बाद प्रेफरेंशियल अलाटमेंट ऑफ लैंड फॉर सेटिंग अप बिजनेस, ठीक है प्रेफरेंशियल तरीके से जो है उनको लैंड दी जाएगी बिजनेस सेटअप करने के लिए। देन रैंप्स इन पब्लिक बिल्डिंग्स में रैंप्स वगैरह, ठीक है हाँ डिटेल में देखते हैं कि ऑल ऑफ द अबव प्रोविजंस आर मेंशन इन द पर्सन्स विद डिसेबिलिटी इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड फुल पार्टिसिपेशन एक्ट 1995। ये एक्ट है 1995 का जिसका नाम है कि पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड फुल पार्टिसिपेशन एक्ट 1995, उसमें मेंशन है ये सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द कॉन्स्टिट्यूशन 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 विच एम्स एट प्रोमोटिंग द पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस इन द कंट्री प्रोवाइड्स फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, तो आंसर है कि इट प्रोवाइड्स नंबर वन स्टेट इलेक्शन कमीशन टू कंडक्ट ऑल पंचायत इलेक्शंस, उसके बाद आ गया कि एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्टेट फाइनेंस कमीशन। यस हाँ एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट भी है जिसमें लिखा है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी, ये इनकरेक्ट है। ठीक है डिटेल में आंसर देखते हैं कि जो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटीज कम अंडर द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 243ZD। ठीक है डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटीज जो हैं वो किसके प्रोविजन में, आर्टिकल 243ZD के अंदर, विच केम इनटू एग्जिस्टेंस थ्रू 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2012 में आया था कि व्हाट इज द प्रोविजन टू सेफ गार्ड द ऑटोनॉमी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है तो हाँ तो आंसर में चार स्टेटमेंट दी गई हैं, तो उनमें से करेक्ट सिर्फ दो हैं, वो है नंबर वन आ गया ये है कि द वाइल अपॉइंटिंग द सुप्रीम कोर्ट जजेस द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज़ टू कंसल्ट द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, नंबर वन। ठीक है नंबर सेकंड है कि द सैलरीज ऑफ द जजेस आर चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया टू विच द लेजिस्लेचर डज नॉट हैव टू वोट। ठीक है ना उसके बाद देखते हैं हाँ इसी में डिटेल में आंसर इसका देखते हैं कि
आर्टिकल 124, आर्टिकल 124 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है ना। आर्टिकल 124 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स दैट द प्रेसिडेंट हैज़ टू कंसल्ट द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इन द अपॉइंटमेंट टू द सुप्रीम कोर्ट जजेस। द सेम आर्टिकल, आर्टिकल 124 डिस्क्राइब्स अबाउट द रिमूवल ऑफ जजेस एंड इट सेज दैट जजेस कैन बी रिमूव्ड ऑनली बाई एन ऑर्डर ऑफ द प्रेजिडेंट आफ्टर एन एड्रेस फॉर सच रिमूवल इज पास्ड इन बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट विथ स्पेशल मेजोरिटी, ठीक है ना। देन एक और इसके रिलेटेड आर्टिकल है आर्टिकल 146, आर्टिकल 146, ठीक है, वो तो आर्टिकल 124 की बात करी, ठीक है ना। हाँ, आर्टिकल 146 प्रोवाइड्स दैट द सैलरीज ऑफ जजेस आर चार्ज ऑन द कंसोलिडेटिव फंड ऑफ इंडिया एंड अपॉइंटमेंट ऑफ ऑल स्टाफ इज आल्सो डन बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑनली। आर्टिकल 146 कहता है 146 के जो सैलरीज होंगी जजेस की, दे आर चार्ज ऑन द कंसोलिडेटिव फंड ऑफ इंडिया, वो कंसोलिडेटिव फंड ऑफ इंडिया के ऊपर चार्ज होंगे, ठीक है ना। एंड अपॉइंटमेंट ऑफ ऑल स्टाफ इज आल्सो डन बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑनली, ठीक है। तो इनसे जो है सुप्रीम कोर्ट कोर्ट की जो है अटॉर्नी के कुछ प्रोविजंस हैं उसको सेफ गार्ड रखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर अमंग द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजन लेड डाउन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। हाँ, चार स्टेटमेंट दिए गए हैं, उनमें तीन सही हैं, एक इनकरेक्ट है, ठीक है। वो जो करेक्ट हैं वो क्या हैं कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज में कि टू प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर, यस इट इज़ करेक्ट। उसके बाद है कि टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, यस ये भी सही है। उसके बाद है कि टू स्ट्राइव टूवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर्स ऑफ ए इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी, ये भी सही। एक इनकरेक्ट है, वो ये है कि टू प्रोटेक्ट द वीकर सेक्शन फ्रॉम सोशल इनजस्टिस, ये नहीं है फंडामेंटल ड्यूटीज़ में, ठीक है। डिटेल में देखते हैं कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर कंटेंड इन आर्टिकल 51 क्लास ए ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड देर इज़ नो ड्यूटी विच स्पेशली टास्क ऑफ द प्रोटेक्टिंग द वीकर सेक्शन फ्रॉम सोशल जस्टिस, ठीक। द फॉलोइंग आर द ड्यूटीज मैंशन इन इन क्लासेज एफ एच एंड जे, ठीक है। हाँ, आर्टिकल 51 ए का जो क्लास एफ है, ठीक है, आर्टिकल 51 क्लास ए सब क्लास एफ, ठीक है। हाँ, वो कहता है टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ अवर कंपोजिट कल्चर, ठीक है। ये आर्टिकल 51 ए क्लास एफ कहता है, ठीक है ना, कि हेरिटेज बचाओ, ठीक है, कंपोजिट। उसके बाद आर्टिकल 51 क्लास ए सब क्लास एच जो है, एच वो कहता है टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर ह्यूमैनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म, ठीक है। तो हाँ, और उसके बाद आर्टिकल 51 क्लास ए सब क्लास जे वो कहता है टू स्ट्राइव टूवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर्स बट इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी सो दैट द नेशन कॉन्स्टेंटली राइजेस टू हायर लेवल्स ऑफ एंडेवर एंड अचीवमेंट। तो मतलब ये याद रखना, आर्टिकल 51 क्लास ए सब क्लास एफ जो है ये रिच हेरिटेज कंपोजिट कल्चर के रिलेटेड है, ठीक है। आर्टिकल 51 क्लास ए सब क्लास एच जो है ये साइंटिफिक टेंपर के रिलेटेड है, ह्यूमैनिज्म के रिलेटेड, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी रिफॉर्म। आर्टिकल 51 ए क्लास जे मतलब के टू स्ट्राइव टूवर्ड्स एक्सीलेंस, उसके रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज के इन द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया द पर्पस ऑफ एन एडजर्नमेंट मोशन इज, आंसर है कि टू अलो अ डिस्कशन ऑन अ डेफिनेट मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस, ठीक है। कि एडजर्नमेंट मोशन जो है इंडियन पार्लियामेंट में क्यों दिया जाता है, कि टू अलो अ डिस्कशन ऑन अ डेफिनेट मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस, उसलिए एडजर्नमेंट मोशन दिया जाता है, ठीक है। कि द प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ एन एडजर्नमेंट मोशन इज टू ड्रा द अटेंशन ऑफ द हाउस टू अ रिसेंट मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस हैविंग सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज एंड इन रिगार्ड टू विच अ मोशन आर अ रिजोल्यूशन विद प्रॉपर नोटिस विल बी टू लेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज के कंसिडर द फॉलोइंग प्रोविजंस अंडर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी एज इंश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। नंबर वन, इन्होंने हाँ कुछ स्टेटमेंट दी गई हैं, फिर बताना है कि विच ऑफ द अबव आर द गांधीयन प्रिंसिपल्स दैट आर रिफ्लेक्टेड इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। हाँ, तो उनमें गांधीयन प्रिंसिपल्स ये आ गए कि जैसे नंबर वन आ गया ऑर्गेनाइजिंग विलेज पंचायत, ठीक है।
हाँ विलेज पंचायत ऑर्गेनाइज कराना, ये भी एक गांधीयन प्रिंसिपल्स है, ठीक है। उसके बाद है कि प्रोमोटिंग काटेज इंडस्ट्रीज इन रूरल एरियाज, ठीक है ना, ये भी क्या है, एक गांधीयन प्रिंसिपल, ठीक है ना, प्रोमोटिंग काटेज इंडस्ट्रीज इन रूरल एरियाज, ठीक है। डिटेल में देखते हैं कि आर्टिकल 40, आर्टिकल 47 एंड आर्टिकल 48 आर बेस्ड ऑन गांधीयन प्रिंसिपल्स, ठीक है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आर्टिकल 40, 47 एंड 48, ठीक है, आर्टिकल 40, 47 एंड आर्टिकल 48 दे आर बेस्ड ऑन गांधीयन प्रिंसिपल्स, ठीक है। हाँ, आर्टिकल 40 बोलता है कि आर्टिकल 40 कहता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, ठीक है। आर्टिकल 47, आर्टिकल 47 जो है वो कहता है प्रॉपर न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, प्रॉपर न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, आर्टिकल 47, ठीक है। और तीसरा आर्टिकल 48 जो है, आर्टिकल 48 वो कहता है प्रिवेंशन ऑफ काउ स्लॉटर, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है, कि काउ स्लॉटर को बंद करो और एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री की ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, आर्टिकल 48 में। तो ये तीनों आर्टिकल, मतलब कि जो विलेज पंचायत और प्रॉपर न्यूट्रिशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और काउ स्लॉटर को रोको, एनिमल हस्बेंड्री और एग्रीकल्चर को प्रमोट करो, ठीक है, मतलब कि आर्टिकल 40, आर्टिकल 47, आर्टिकल 40, 47 और 48 ये गांधीयन प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड टेल व्हिच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट आर करेक्ट, ठीक है ना। तो तीन स्टेटमेंट है, तीनों इनकरेक्ट हैं। पहली स्टेटमेंट में बोलता है कि यूनियन टेरिटरीज आर नॉट रिप्रेजेंटेड इन द राज्यसभा, ये भी इनकरेक्ट। उसके बाद है कि इट इज़ विद इन द परव्यू ऑफ द चीफ इलेक्शन कमीशन टू एडजुडिकेट द इलेक्शन डिस्प्यूट्स, ये भी इनकरेक्ट। तीसरा है कि अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ लोकसभा एंड द राज्यसभा ऑनली, ठीक है, तो ये भी इनकरेक्ट है, ठीक है ना। डिटेल में देखते हैं आंसर इसका कि द राज्यसभा इज कम्पोज ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट्स एंड द टू यूनियन टेरिटरीज ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी, तो अब जम्मू कश्मीर भी है, ठीक है ना, एंड 12 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। कि कहाँ पे राज्यसभा में नॉमिनेट करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, 12 मेंबर्स। द इलेक्शन डिस्प्यूट्स आर एडजुडिकेटेड बाय द स्पेशल इलेक्शन बेंचेस डेजिग्नेटेड फॉर इलेक्शन पेटिशंस दैट शुड ऑनली बी फॉर्म्ड इन द हाई कोर्ट, ठीक है। द इंडियन पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, लोकसभा एंड राज्यसभा, ठीक है, ये थे करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैव अ बेयरिंग ऑन एजुकेशन, ठीक है, तो वो है, फिर कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताना विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट आर करेक्ट, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैव अ बेयरिंग ऑन एजुकेशन, तो वो है नंबर वन आ गया डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, नंबर सेकंड रूरल एंड अर्बन लोकल बॉडीज, और नंबर तीन आ गया कि सेवंथ स्केड्यूल, ठीक है। डिटेल में देखते हैं आप कि द चैप्टर ऑन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स आर्टिकल 41 एंड 45 विच आर एज फॉलोस, ठीक है। आर्टिकल 41 कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टिपुलेट्स दैट स्टेट विद इन इट्स इकोनॉमिक कैपेसिटी एंड डेवलपमेंट मेक इफेक्टिव प्रोविजंस फॉर सिक्योरिंग द राइट ऑफ एजुकेशन, ठीक है, आर्टिकल 41 41 आर्टिकल में, ठीक है। देन आर्टिकल 45 आर्टिकल 45 स्टिपुलेट्स दैट स्टेट शैल एंडेवर टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन अंटिल दे अटेन द एज ऑफ 6 ईयर, कि जब तक 6 साल की एज नहीं होगी तब तक जो है चाइल्डहुड केयर और अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन जो है उन बच्चों को वो स्टेट जो है प्रोवाइड करेगी आर्टिकल 45 में, ठीक है। द लोकल एंड अर्बन लोकल बॉडीज आर इंडोर्ड विद द सब्जेक्ट ऑफ एजुकेशन एंड प्रोमोशन ऑफ एजुकेशनल एस्पेक्ट्स अंडर अलावेंस स्केड्यूल एंड 12th स्केड्यूल रिस्पेक्टिवली, ठीक है ना। हाँ के उसके बाद है कि द सेवंथ स्केड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर थ्री लिस्ट, दैट इज हाँ थ्री लिस्ट डिवाइडिंग द सब्जेक्ट्स फॉर लेजिस्लेशन फॉर द रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट्स, ठीक है। एजुकेशन इज एट द 25th एंट्री इन द कंकरेंट लिस्ट इंसर्टेड बाय 42nd अमेंडमेंट 1976, जो 1976 में 42वां तरमीमी एक्ट बना था, ठीक है ना,
उसके तहत जो है एजुकेशन को जो है 25वें नंबर पे एंट्री करी है कंकरेंट लिस्ट में, ठीक है। एजुकेशन को 25वें नंबर पे रखा है कंकरेंट लिस्ट में, ठीक है, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के मुताबिक, ठीक है। देन उसके बाद देख लेते हैं फिफ्थ स्केड्यूल जो है, हाँ जैसे क्वेश्चन में जिक्र है फिफ्थ स्केड्यूल और सिक्स का भी, ठीक है ना, तो वो कुछ एजुकेशन के रिलेटेड नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि फिफ्थ स्केड्यूल डज नॉट मेंशन एजुकेशन इवन दो सिक्स स्केड्यूल टास्क ऑफ ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल विद रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ एजुकेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज के विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेथड्स ऑफ पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया, ठीक है, कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेथड्स ऑफ पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया, ठीक है ना। कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, बताना है करेक्ट आंसर इनमें कौन सा है, ठीक है ना। हाँ, तो क्वेश्चन था क्या, व्हाट आर द मेथड्स ऑफ पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर द पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया, तो उसका करेक्ट स्टेटमेंट है आंसर की नंबर वन के प्लेसिंग एनुअल है कि पार्लियामेंट कैसे कंट्रोल करती है पब्लिक फाइनेंस को, ठीक है ना। नंबर वन प्लेसिंग एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिफोर द पार्लियामेंट, ठीक है, ये भी सही। उसके बाद है कि विदड्रावल ऑफ मनीज फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया ऑनली आफ्टर पासिंग द अप्रोप्रिएशन बिल, ठीक है, अप्रोप्रिएशन बिल पास होगा तब भी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकलेगा। देन प्रोविजन ऑफ सप्लीमेंट्री ग्रांट्स एंड वोट ऑन अकाउंट, ठीक है, हाँ सप्लीमेंट्री ग्रांट्स और वोट ऑन अकाउंट ये प्रोविजन भी है, ठीक है। इस तरीके से भी जो है पार्लियामेंट फाइनेंस के ऊपर पब्लिक फाइनेंस के ऊपर कंट्रोल पाएगी। उसके बाद है इंट्रोड्यूसिंग फाइनेंस बिल इन द पार्लियामेंट, इस तरीके से भी। और एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट दी गई है कि आप रेडी कर एटलीस्ट अ मिड ईयर रिव्यू ऑफ प्रोग्राम ऑफ द गवर्नमेंट अगेंस्ट माइक्रो इकोनॉमिक फॉरकास्ट एंड एक्सपेंडिचर बाई ए पार्लियामेंट्री बजट ऑफिस, ये इनकरेक्ट है, ठीक है। अब थोड़ा और डिटेल में देख लेते हैं आंसर इसका कि पार्लियामेंट एक्सरसाइजेज फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कंट्रोल ओवर द एक्सपेंडिचर बाय प्लेसिंग एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिफोर द पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 112 आर्टिकल के तहत, ठीक है ना। उसके बाद है कि अंडर आर्टिकल 114 इट इज़ गिवन दैट नो मनी कैन बी विदड्रॉन फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया विदाउट पासिंग अप्रोप्रिएशन बिल, ठीक है। आर्टिकल 114 में ये मेंशन है कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से कोई पैसा नहीं निकाला जाएगा जब तक के अप्रोप्रिएशन एक्ट जो है वो पार्लियामेंट पास ना हो जाए, ठीक है, आर्टिकल 114 में है। तो आर्टिकल 112 में है कि ये एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट मीन्स बजट को पार्लियामेंट में पेश करा जाए। उसके बाद देखते हैं कि प्रोविजंस ऑफ सप्लीमेंट्री ग्रांट्स एंड वोट ऑन अकाउंट इज गिवन इन आर्टिकल 115 एंड 116, ठीक है। हाँ, प्रोविजन ऑफ सप्लीमेंट्री ग्रांट्स और वोट ऑन अकाउंट जो है ये प्रोविजन आर्टिकल 115 और आर्टिकल 116 में दिया गया है। उसके बाद है कि आर्टिकल 107 स्टिपुलेट प्रोविजंस फॉर फाइनेंस बिल, फाइनेंस बिल के लिए प्रोविजंस जो हैं वो आर्टिकल 107 में मेंशन है, ठीक है, फाइनेंस बिल के रिलेटेड। हाँ, तो मतलब आर्टिकल 112 114 115 और 107 जो हैं ये इम्पॉर्टेंट हैं, इनके इन आर्टिकल के द्वारा पार्लियामेंट कंट्रोल करते हैं पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज के विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेशल पावर्स हैव बीन कन्फर्ड ऑन द राज्यसभा बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो आंसर है कि टू पास अ रेजोल्यूशन इम्पावरिंग द पार्लियामेंट टू मेक लॉज इन द स्टेट लिस्ट एंड टू क्रिएट वन आर मोर ऑल इंडिया सर्विसेज, कि राज्यसभा को स्पेशल पावर क्या है कि टू पास अ रेजोल्यूशन इम्पावरिंग पार्लियामेंट टू मेक लॉज इन द स्टेट लिस्ट एंड टू क्रिएट वन आर मोर ऑल इंडिया सर्विसेज, ठीक है, ये अधिकार है राज्यसभा के पास। डिटेल में देखते हैं कि राज्यसभा इज इम्पावर्ड अंडर आर्टिकल 249 क्लास 1 एंड आर्टिकल 312 क्लास आई, ठीक है ना, टू पास रेजोल्यूशन इम्पावरिंग द पार्लियामेंट टू मेक लॉज ऑन द सब्जेक्ट इनमेरेटेड इन द स्टेट लिस्ट एंड टू क्रिएट वन आर मोर ऑल इंडिया सर्विसेज रिस्पेक्टिवली, ठीक है, कि आर्टिकल 249 क्लास आई और आर्टिकल 312 क्लास आई, ठीक है। आर्टिकल 249 क्लास आई में यह है कि हाँ इम्पावरिंग पार्लियामेंट टू मेक लॉज ऑन द सब्जेक्ट इनमेरेटेड इन स्टेट लिस्ट, ठीक है, और आर्टिकल 312 क्लास आई में है कि टू इम्पावर पार्लियामेंट टू क्रिएट वन आर मोर ऑल इंडिया सर्विसेज, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिगार्डिंग द ऑफिस ऑफ द लोकसभा स्पीकर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड टेल व्हिच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट आर करेक्ट। ठीक है ना, हाँ, तो कुछ स्टेटमेंट दी गई हैं लेकिन करेक्ट उनमें से सिर्फ एक है, और वो है कि इफ़ द स्पीकर हाँ इफ़ ही आर शी टेंड्स टू रिजाइन द लेटर ऑफ हीज हर रेजिग्नेशन हैज़ टू बी एड्रेस टू द डिप्टी स्पीकर। ठीक है, अगर स्पीकर देगा रिजाइन तो डिप्टी स्पीकर को देगा। ठीक है, ये सही है। तो डिटेल में थोड़ा देखते हैं कि द हाउस ऑफ द पीपल एज सून एज मे बी आफ्टर इट्स फर्स्ट मीटिंग चूज द स्पीकर फ्राम अमंग द मेम्बर ऑफ हाउस एज पर आर्टिकल 93। ठीक है, ही होल्ड्स द ऑफिस ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द हाउस बट हीज ऑफिस मे टर्मिनेट अर्लियर इन द फॉलोइंग वेज। ठीक है, नंबर वन इफ ही इज हर सीजिंग टू बी अ मेंबर ऑफ द हाउस। ठीक है, नंबर वन। नंबर सेकंड बाय रेजिग्नेशन इन राइटिंग एड्रेस टू द डिप्टी स्पीकर। ठीक है, नंबर तीन आ गया बाय रिमूवल फ्रॉम ऑफिस बाय अ रेजोल्यूशन पास बाय मेजॉरिटी ऑफ ऑल द देन मेंबर्स ऑफ द हाउस। ठीक है, इस तरीके से निकाला जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज के विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन द ओरिजिनल ज्यूरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है ना, तो कुछ ऑप्शंस दिए गए, हमें करेक्ट आंसर बताना है। ठीक है ना, हाँ, तो करेक्ट आंसर है कि आ डिस्प्यूट, हाँ, ओरिजिनल ज्यूरिस्डिक्शन जो सुप्रीम कोर्ट में आता है। ठीक है, आ डिस्प्यूट बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वन आर मोर स्टेट, ये भी आ सकता है ओरिजिनल ज्यूरिस्डिक्शन। उसके बाद क्या, डिस्प्यूट बिटवीन टू आर मोर स्टेट, ये भी सुप्रीम कोर्ट के ओरिजिनल ज्यूरिस्डिक्शन में आता है। ठीक है, दो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, उनमें ये है कि आ डिस्प्यूट रिगार्डिंग इलेक्शंस टू आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट और दैट ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ अ स्टेट, ये भी इनकरेक्ट है। उसके बाद आ डिस्प्यूट बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड यूटी, ये भी नहीं सही। थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं ओरिजिनल ज्यूरिस्डिक्शन कहाँ कहाँ पे। ठीक है ना, हाँ, जैसे रिट्स आ गया। ठीक है ना, रिट्स के आर्टिकल 32 हाँ गारंटीज द राइट टू मूव टू सुप्रीम कोर्ट फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, ये भी आर्टिकल 32 में ये ओरिजिनल राइट्स है रिट्स का। हाँ, फिर ओरिजिनल सूट्स SUITS ओरिजिनल सूट्स। ठीक है ना, हाँ, आर्टिकल 131 131 आर्टिकल जो है आर्टिकल 131 ग्रांट्स एक्सक्लूसिव ज्यूरिस्डिक्शन टू द सुप्रीम कोर्ट इन एनी डिस्प्यूट बिटवीन नंबर वन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वन आर मोर स्टेट, नंबर सेकंड बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड एनी स्टेट आर स्टेट्स ऑन वन साइड एंड वन आर मोर अदर स्टेट ऑन द अदर साइड, तीसरा है बिटवीन टू आर मोर स्टेट। ठीक है, तो हाँ, अगर इनमें कोई डिस्प्यूट है तब आर्टिकल 131 जो है वो कहता है कि ये जो ओरिजिनल सोर्स है किसका, सुप्रीम कोर्ट का, एक्सक्लूसिव ज्यूरिस्डिक्शन है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की, वो यहाँ पे जो है पार्टिसिपेट करके इस मसले को हल करवा सकते हैं। हाँ, इसी में देख लेते हैं इलेक्शन डिस्प्यूट्स आर्टिकल 71 जो है उसमें है। हाँ, आर्टिकल 71 प्रोवाइड्स दैट ऑल डोर्स एंड डिस्प्यूट्स रिलेटिंग टू इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट आर रिक्वायर्ड टू बी इंक्वायर्ड इनटू एंड डिसाइडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, ये आर्टिकल 71 में मेंशन, आर्टिकल 71 में। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन इंडिया अदर देन इंश्योरिंग दैट द पब्लिक फंड्स आर यूज्ड एफिशिएंटली एंड फॉर इंटेंडेड पर्पस व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ द ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल CAG। ठीक है, हाँ, तो कुछ स्टेटमेंट दी गई हैं, हमने करेक्ट बताना, और करेक्ट स्टेटमेंट है कि CAG आर कैग कैज CAG ठीक है, CAG रिपोर्ट्स ऑन द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट्स आर प्रोग्राम्स बाय द मिनिस्ट्रीज आर डिस्कस्ड बाय द पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। ठीक है, हाँ, के CAG रिपोर्ट्स ऑन द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट्स आर प्रोग्राम्स बाय द मिनिस्ट्रीज हाँ आर डिस्कस्ड बाय द हाँ के CAG रिपोर्ट्स ऑन द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट्स आर प्रोग्राम्स बाय द मिनिस्ट्री आर डिस्कस्ड बाय द पब्लिक अकाउंट कमेटी। डिटेल में देखते हैं कि इन इंडिया कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल CAG हैज़ नो पावर इन द कैपेसिटी ऑफ कंट्रोलर एज ही डज नॉट एक्सरसाइज एनी टाइप ऑफ कंट्रोल ऑन एक्सक्यूचर। ठीक है, CAG रिपोर्ट्स आर डिस्कस्ड इन द PAC कमेटी पब्लिक अकाउंट कमेटी मीटिंग्स एंड इट कैन कॉल द CAG टू अटेंड इट्स मीटिंग्स। ठीक है ना, CAG डज नॉट हैव एनी जुडिशियल पावर्स फॉर प्रोसिक्यूटिंग एनीवन। ठीक है, उसके पास जुडिशियल पावर नहीं है कि किसी को प्रोसिक्यूट करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज के विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी सेड टू बी एसेंशियली द पार्ट्स ऑफ द इंक्लूसिव गवर्नेंस। ठीक है,
विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी सेड टू बी असेंशली द पार्ट्स ऑफ द एक्सक्लूसिव गवर्नेंस। ठीक है, तो आंसर है इसका कि हाँ असेंशली द पार्ट्स ऑफ एक्सक्लूसिव गवर्नेंस आर नंबर वन के एस्टैब्लिशिंग इफेक्टिव डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटीज इन ऑल डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, उसके बाद है इंक्रीजिंग द गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन पब्लिक हेल्थ। उसके बाद है कि स्ट्रेंथनिंग द मिड डे मील स्कीम। ठीक है ना, हाँ एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट भी है कि परमिटिंग द नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज टू डू बैंकिंग, ये इनकरेक्ट है। ठीक है ना, तो क्वेश्चन था कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी सेड टू बी एसेंशली द पार्ट्स ऑफ इंक्लूसिव गवर्नेंस। इंक्लूसिव गवर्नेंस का ये मैंने बता दिया। ठीक है ना, डिटेल में देख लेते हैं कि गवर्नमेंट हैज स्ट्रेंथन्ड डिस्ट्रिक्ट एज द सेंटर ऑफ प्लानिंग इन ऑलमोस्ट ऑल द सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स। ठीक है, कि डिस्ट्रिक्ट को चूज कर लिए कि सेंटर ऑफ प्लानिंग यही है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटीज हैव बीन एस्टैब्लिश्ड इन कन्फॉर्मिटी विद द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस इन ऑल बट वन आर मोर स्टेट्स। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटीज इन्वोक मल्टीपल स्टेक होल्डर्स एट ग्रास रूट लेवल एंड दस प्रमोट इंक्लूसिव ग्रोथ। इंक्लूसिव गवर्नेंस प्रोग्राम्स कवर प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन दैट इज मिड डे मील स्कीम, देन डिस्पेंसरीज एंड प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स, ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, रूरल हाउसिंग, वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन आउटलेट्स, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग रोड्स, ब्रिजेस एंड कलवर्ट्स एंड अदर एलिमेंट्स ऑफ रूरल कनेक्टिविटी, वेटरनरी सेंटर्स, द मेंटेनेंस ऑफ कम्युनिटी एसेट्स, रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन, इरीगेशन एंड एग्रीकल्चर एक्सटेंशन। ठीक है, तो ये सारे जो हैं आ जाते हैं इसमें इंक्लूसिव गवर्नेंस प्रोग्राम्स में। ठीक है ना, इंक्लूसिव गवर्नेंस प्रोग्राम्स। तो इसके साथ हमारी ये वीडियो ख़त्म होती है, आगे हम और वीडियो भी बनाएंगे जिसमें और हम टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, अल्लाह हाफिज़।